नमस्कार स्वागत है आप लोगों का बहुत बहुत क्रेडोज़ द लर्निंग ऐप पर और आप मेरे साथ कर रहे हैं एनसीईआरटी का मॉड्यूल सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और मैं हूं कुमार अनुराग आपके सामने जो आपके साथ हम ज्योग्राफी का डिस्कशन कर रहे हैं ठीक है कल तक हम लोगों ने जो है वो कक्षा सात के चार चैप्टर्स को किया आज मैं पांचवे चैप्टर पर आ गया हूं और इस पांचवे चैप्टर पर जो है वो हम जिस फीचर के बारे में जिस चीज के बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे वो होगा वाटर से रिलेटेड ठीक है तो आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको आज का जो क्लास है उस क्लास पर हम बात करेंगे किन चीजों की तो आज की क्लास में मुख्य रूप से मेरा जो फोकस होगा वो इन्हीं चैप्टर्स पर होगा और इन्हीं चैप्टर्स की सारे फीचर्स को हम जानने का प्रयास करेंगे तो एक एक करके शुरू कर लेते हैं आज जो पहला चैप्टर है वो बेसिकली वाटर से रिलेटेड है किससे रिलेटेड है जल से रिलेटेड है ये आपका पांचवा चैप्टर है जो आपको यहां पर दिख रहा है जल आप जब भी बात करते हैं या इस पृथ्वी पर जल के विषय में जब हम विचार करते हैं तो ये जल जब हम घर में बैठे होते हैं तो हमें अपने घर के बर्तनों में भरे हुए एक पदार्थ के रूप में दिखाई देता है हम उसे पी रहे होते हैं हम उसका इस्तेमाल जो है वो कई सारे कामों में कर रहे होते हैं ये जल आता कहाँ से है जैसे ही हम घर से बाहर की ओर निकलते हैं तो इस जल को हम आ, इमेजिन करते हैं कि ये अलग अलग जलाशयों में पाया जाएगा ये जल जो है वो हमारे घर के आसपास के तालाब में मिलेगा अगर हमारा घर कहीं ऐसी स्थान पर है जहां पर आसपास बड़ी झीलें हैं तो वहां मिल सकता है कोई ऐसे व्यक्ति भी होंगे जिनके घर के आसपास जो है वो बड़े जलप्रपात पाए जाते होंगे तो उन व्यक्तियों के आ, उन जलप्रपातों से जो है वो जल नीचे आ रहा होगा जहाँ जिनका शहर जिनका गांव नदी के किनारे बसा होगा उनको अपने नदी में जल दिखाई दे रहा होगा या किसी पतली या छोटी नदी में या जिसको आप नाला बोल सकते हैं उसमें जल दिखाई दे रहा होगा या फिर जो लोग कोस्टल एरियाज या तटीय क्षेत्रों में रह रहे होंगे उन्हें अपने आसपास के सागरीय क्षेत्र में जो है वो जल दिखाई दे रहा होगा यानी जल की उपलब्धता इस पृथ्वी पर अगर हम देखें तो वो अलग अलग रूपों में देखने को मिलती है यही जल जो है वो पृथ्वी पर हम तब भी देख पाते हैं आता हुआ जब बादलों से वर्षा के रूप में ये जल जो है वो नीचे आ रहा होता है तो जल के अलग अलग स्वरूप यहाँ पर जो है वो हमें जलाशयों के रूप में जो है वो दिखाई देते हैं स्वरूप की जहां तक बात है तो आप ये भी कह सकते हैं कि जल की उपलब्धता कई रूपों में है जल जो है वो द्रवित रूप में भी उपलब्ध है है ना लिक्विड के फॉर्म में जैसे कि पानी लेकिन वही जल जो है वो हिम नदियों में जब चले जाएंगे तो वहां पर वो जल कैसा उपलब्ध है तो कहते हैं वो जल उपलब्ध है बर्फ के रूप में ठीक या फिर अगर हम कहें कि वायुमंडल में मेघ बन रहे हैं बादल बन रहे हैं तो वो जल जो है वो वाष्प के रूप में वहां पर उपस्थित है तो जल तीनों स्वरूपों तीनो में पदार्थ के तीनो तीनो तीनों स्वरूपों में है ना उपलब्ध है ठोस रूप में भी उपलब्ध है द्रव के रूप में भी उपलब्ध है और गैसीय रूप में भी उपलब्ध है गैसीय रूप में जलवाष्प के रूप में ठोस के रूप में अगर कहें तो बर्फ या हिम के रूप में और सबसे सबसे ज्यादा या सर्वाधिक जिस मात्रा में उपलब्ध है वो है द्रवित रूप में यानी कि पानी जिसको सामान्य रूप से हम जल बोलते उस रूप में ये जल उपलब्ध है ठीक है अब इस जल को लेकर हम ये कहते हैं कि ये जो जल है वो हमारे इस पृथ्वी पर लगातार बना हुआ है यह पृथ्वी पर लगातार क्यों बना हुआ है क्योंकि हम कहते हैं कि इस पृथ्वी पर जो है वो जलचक्र इसको लगातार एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करके इसको लगातार जो है वो बनाए हुए है, है ना तो हमारे पास क्या है हमारे पास जो है वो जलचक्र है है ना हमारे पास क्या है जल चक्र है इस जल चक्र की सहायता से हम जल को लगातार अपने आसपास देख पाते हैं अपने आसपास समझ पाते हैं ठीक है थीके? अब आप देखेंगे पर कि ये जो जल चक्र आपको दिखाई दे रहा है ये जो जल आपको दिखाई दे रहा है इस जल चक्र में हो क्या रहा है तो कहे कि इस जल चक्र में जल जो है वो जलाशय में द्रवित रूप में उपलब्ध है ये जल जो है वो वाष्पीकृत होकर ऊपर जा रहा है वायुमंडल में जब ये जल वायुमंडल में जा रहा है तो वायुमंडल में उस जलवाष्प का संघनन होता है उस जलवाष्प के संघनन से जो बादल बनते हैं जो क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है ये क्लाउड इस तरीके से यहाँ पर निर्मित हो गए बादल जो है वो यहाँ पर ऐसे बन गए और इन बादलों के इन बादलों के निर्माण से क्या होगा कि जब इसमें जल की मात्रा काफी ज्यादा हो जाएगी तो यही बादल जो है यत्र तत्र घूमते हुए जो है जब इनमें बहुत ज्यादा जल जल की बूंदे जो हैं वो इकट्ठा हो जाएंगी तो यही जलवाष्प जो है वो क्या होगा ये जो ज बादल हैं वो क्या करेंगे कि यहां से जो है वो वर्षा कराने लगेंगे और फिर ये वर्षा का जल जो है वो पुनः कहाँ आ जाएगा पुनः धरती पर आ जाएगा और इस तरीके से जो जल यहाँ से ऊपर गया था वाष्पीकृत होके वही जल वापस जो है वो पृथ्वी पर आ गया ठीक है सेम कंडीशंस जो हैं वो हिम नदियों के साथ भी होंगे है ना हिम नदियों से भी दिन के समय में चाहे जिस भी तरीके का तापमान हो बहुत कम मात्रा में जो है उनके वाष्पीकरण से या उनके पिघलने के बाद जब वाष्पीकरण हो रहा है तो उससे बहुत कम मात्रा में जलवाष्प ऊपर जा रहा हो लेकिन वो जलवाष्प जाता अवश्य है और उस जलवाष्प के कारण बादल बनते हैं बादल निर्मित होते हैं सामान्य रूप से जब उन बादलों से हिमपात होता है यानी कि बर्फ जो है वो गिरती है स्नोफॉल होता है तो ये स्नोफॉल जो है उन रीजन्स में बर्फ जमाने के काम आता है ठीक है बर्फ को इकट्ठा करने के काम आता है तो वहां भी इस जल चक्र का कहीं ना कहीं हम योगदान देख पा रहे हैं। तो जल चक्र एक ऐसा चक्र है जिस प्रक्रम से जो है हम कहते हैं कि जल जो है वो लगातार पृथ्वी और वायुमंडल के बीच स्थल और वायुमंडल के बीच और जल जलाशय के बीच जो है वो घूमता रहता है और इससे जल की उपलब्धता जो है वो हमेशा ही कहां बनी रहती है इस धरती पर बनी रहती है ठीक है अब यहां से अगर हम देखें तो यह जल अलग अलग रूपों में मिल सकता है देखिए जल जो हमारे पास उपलब्ध है वो दो रूपों में उपलब्ध है कैसे जल की उपलब्धता दो रूपों में है एक तो हमारे पास है लवणीय जल यानी सॉल्टी वाटर और दूसरा जो है वो अलवणीय जल है अलवणीय जल है यानी कि जिसको आप बोलते हैं कि फ्रेश वाटर है है ना सॉल्टी वाटर है और फ्रेश वाटर है तो जो सॉल्टी वाटर है वो कहां मिलेगा सॉल्टी वाटर जो है वो महासागरों में मिलेगा सॉल्टी वाटर जो है वो सागरों में मिलेगा सर्वाधिक इन्हीं जगहों पर मिलता है महासागर और सागर ओशंस और सीज में जो है वो आपको सॉल्टी वाटर मिल रहा है और जहां तक फ्रेश वाटर की बात है तो फ्रेश वाटर जो है वो आपको कई अलग अलग स्रोतों में मिल सकता है जैसे आप कहें कि फ्रेश वाटर की जो उपलब्धता है वो उपलब्धता आपको कहाँ मिल सकती है नदी में मिल सकती है वो उपलब्धता जो है वो आपको लेक्स यानी झीलों में मिल सकती है वो उपलब्धता आपको ताल या तालाब में मिल सकती है है ना? तालाबों में मिल सकती है तो इस तरीके से अलग अलग जगह जो है है ना जैसे आप जलप्रपात की बात करेंगे वहां पर भी आपको जो है वो मीठा जल ही प्राप्त होगा तो इस तरीके से मीठे जल या अलवणीय जल के भी बहुत सारे स्रोत हैं और लवणीय जल के भी बहुत सारे स्रोत हैं जहां तक हम लवणीय जलों की बात करते हैं देखिए महासागरों या सागरों के जब जल की बात की जाती है आप सब लोगों को पता होगा कि महासागर या सागर जो भी हैं, उनमें से हम नमक निकाल सकते हैं आप सभी लोगों को गांधी जी की दांडी यात्रा तो पता होगी है ना और दांडी यात्रा में नमक सत्याग्रह जब उन्होंने किया तो उन्होंने क्या किया नमक सत्याग्रह में उन्होंने जो है वो समुद्र के किनारे जाकर नमक बनाने का काम किया और अंग्रेजों के नमक कानूनों को तोड़ा नमक जो कि एक छोटे गरीब व्यक्ति से लेकर एक बड़े अमीर व्यक्ति सभी के काम में आता है तो गांधी ने, ने कहा कि इस नमक को पर जो है वो हमें किसी भी प्रकार से टैक्स देने या कर देने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए हम नमक बना सकते हैं इसी नमक को हिस्ट्री में तो हमने जान लिया इसी हिस्ट्री ने हमें बताया कि सागर से जो है सागर के जल से गांधी जी ने नमक बनाया था अगर ये चीज याद है तो इसका मतलब अगर गांधी जी नहीं भी हो तो भी तो नमक बनेगा ही बनेगा ना गांधी जी होंगे तभी नमक थोड़ी बनेगा गांधी जी आज नहीं है फिर भी हम नमक बना पाने में कैपेबल है हम सक्षम है तो सक्षम किस लिए क्योंकि सागर के जल में वो नमक पाया जा रहा है, है ना और सागर के जल में वो जो नमक पाया जा रहा है उससे हम नमक कैसे निकाल पा रहे हैं तो कहा कि सागर के जल का वाष्पीकरण किया उसमें जो घुला हुआ नमक है वो रह गया जल जो है वो वाष्पीकृत होकर ऊपर चला गया और उस नमक का हम इस्तेमाल करते हैं सोचने वाली बात यह है कि जो नमक हम अपने लिए बना रहे हैं उस नमक में रासायनिक प्रक्रिया जो है वो क्या है और किस क्या रासायनिक तत्व तो ऐसा घुला हुआ है कौन से ऐसे जो यौगिक है वो घुले हुए हैं जो कि इस जल को लवणीय बना रहे हैं तो कहा कि जो महासागर का जल है उसमें जो लवण या जो नमक घुला हुआ है जो सॉल्ट घुला हुआ है वो सॉल्ट एक्चुअली क्या है वो है सोडियम क्लोराइड वो क्या है सोडियम क्लोराइड है इस सोडियम क्लोराइड की सहायता से इस सोडियम क्लोराइड की सहायता से या सोडियम क्लोराइड की मदद से जो सागरीय जल है या जो महासागरीय जल है वो कैसा जल बन गया लवणीय जल बन गया वो कैसा जल बन गया वो बन गया खारा जल या नमक वाला जल या नमकीन जल कुछ भी आप बोल लीजिए और वहां से हम क्या करते हैं इसी सोडियम क्लोराइड को निकालते हैं इस सोडियम क्लोराइड की जहां तक बात की गई है इसी को हम क्या बोलते हैं इसी को हम टेबल सॉल्ट बोलते हैं टेबल सॉल्ट बोलते हैं लेकिन हिंदी में आप क्या बोलेंगे इसको इसको मेज नमक 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 नहीं बोलेंगे इसको बोलेंगे क्या खाने खाने वाला नमक. तो जो नमक हम खाने में प्रयोग करते हैं वो टेबल सॉल्ट जो है वो बेसिकली क्या होता है ये सोडियम क्लोराइड होता है है ना वो क्या होता है सोडियम क्लोराइड होता है इसी सोडियम क्लोराइड की यहां पर बात की गई है ठीक है अब यहां पर देखें तो जल के बारे में हम जल की उपलब्धता के बारे में अगर देखें तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि जल सर्वाधिक उपलब्ध है कितना तो इस पृथ्वी पर जल की उपलब्धता जो है पृथ्वी पर जो जल है वो कितना उपलब्ध है वो पूरी पृथ्वी के इकहत्तर प्रतिशत हिस्से को जो है वो कवर कर रहा है इस इकहत्तर प्रतिशत हिस्से में जो है महासागर जो है इस पूरे जल को रखे हुए हैं और यहाँ पर महासागरों की अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर कुल मिलाकर कितने महासागर हैं पांच महासागरों की बात की गई है ये पांच महासागर कौन कौन से हैं तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले सबसे बड़े वाले महासागर से जिसको हम प्रशांत महासागर कहते हैं प्रशांत महासागर के बाद दूसरा बड़ा महासागर जो है वो है अटलांटिक महासागर तीसरा जो है इस अटलांटिक को हिंदी में अंध महासागर भी कहते हैं ठीक है थीके? तीसरा जो है इसको हम बोलेंगे हिंद महासागर ये एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किस पर पड़ा है किसी देश के नाम पर पड़ा है चौथा जो है वो है आर्कटिक महासागर आर्कटिक महासागर उत्तर में उत्तरी ध्रुव जो है वो इसी आर्कटिक महासागर के अंतर्गत आता है तो आर्कटिक महासागर जो है वो उत्तर के भाग में जो है वो स्थित है लेकिन पांचवा नाम आप लिखेंगे दक्षिण महासागर या दक्षिणी महासागर सदर्न ओशन नाम देंगे और इस पर हम लोग ऑलरेडी एक बार चर्चा कर चुके हैं कि दक्षिणी महासागर जो है वो कहाँ है अंटार्कटिक महाद्वीप जो है उसकी बाउंड्री से लेकर 60 डिग्री के दक्षिणी अक्षांश तक का जो जलीय भाग है उसी जलीय भाग को हम क्या बोलते हैं दक्षिणी महासागर के रूप में देखते हैं ठीक है क्योंकि आप देखिए इस तरीके से नीचे आने पर हिंद महासागर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर है ना ये आके नीचे यहां मिल गए तो इस तरीके से जो नया महासागर आपको दिखाई दे रहा है वो कौन सा दिखाई दे रहा है यहां पर दक्षिणी महासागर जो है वो आपको दिखाई दे रहा है तो ये आपको ध्यान रखना है कि अंटार्कटिक से लेकर 60 डिग्री के दक्षिणी अक्षांश तक का जो जलीय भाग है वो दक्षिणी महासागर के रूप में आपको दिखाई देगा ठीक है इसके अलावा इन महासागरों में कई सागर भी जो है वो समाहित है इन सागरों में आप भूमध्य सागर काला सागर कैस्पियन सागर यहाँ अरब सागर इस तरफ दक्षिणी चीन सागर पूर्वी चीन सागर यहाँ पर जो है वो आप बंगाल की खाड़ी है ना कोरल सागर और इस तरफ आएंगे तो आपको कई और सागर मिल जाएंगे जैसे कि यहाँ पर आएंगे तो आर्कटिक सागर है और इस तरफ जो आएंगे यहां पर नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर जो है वो मिलेगा तो ऐसे करके कई सारे सागर भी जो है वो हमारे पास उपलब्ध हैं जिनमें ये जल पाया जा रहा है अब हमारे लिए है कि इस पृथ्वी पर जल का जो वितरण है वो किन किन रूपों में है और जब हम जल के लवणता की बात करते हैं तो क्या लवणता का कुछ मापन है क्या हर जगह जो नमकीन जल है वो एक ही प्रकार का है या फिर ये नमकीन जल अलग अलग है अरे भाई एक प्रकार का कैसे हो सकता है क्योंकि नमक जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है ये भी समझना है और कौन किस क्षेत्र से कितना ज्यादा नमक आकर लाकर मिलाया जा रहा है जल में उसकी वजह से जल की लवणता भी जो है वो कम या ज्यादा हो सकती है तो दो तीन चीजें इस पेज पर हम डिस्कस करेंगे उनको आप ध्यान से सुन लीजिए पहला कि जो जल का वितरण किया जा रहा है उसमें आप देखेंगे कि संतानवे प्रतिशत जो जल है है ना कुल जल का संतानवे प्रतिशत और संतानवे प्रतिशत से भी ज्यादा जो है वो महासागरों के रूप में उपलब्ध है किस रूप में उपलब्ध है महासागरों के रूप में उपलब्ध है किसका कुल जल का संतानवे प्रतिशत यानी जो मैंने बोला कि इस पृथ्वी पर जो है वो जल सर्वाधिक है इकहत्तर प्रतिशत है तो उसका संतानवे प्रतिशत जो है वो कहां उपलब्ध है महासागरों में उपलब्ध है और बाकी जो है बर्फ के छत्रक या फिर आप कह सकते हैं कि एक तरीके से हिम टोपियों के रूप में जो है वो या हिम नदियों में जो है वो उपलब्ध है कितना शून्य दो दशमलव शून्य प्रतिशत यानी कि दो परसेंट जो है यहां पर उपलब्ध है इसके अलावा ग्राउंड वाटर की बात करेंगे ग्राउंड वाटर की बात करेंगे तो ग्राउंड वाटर जो है वो जीरो जीरो पॉइंट सिक्स एट है ना जीरो जीरो पॉइंट सिक्स एट परसेंट है और इसके अलावा झीलों में जो है वो 0.009 परसेंट इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुछ झीलें ऐसी भी हैं जो कि नमकीन झीलों के रूप में जानी जाती है जहां पर खारा पानी झीलों में पाया जाता है या लवणीय जल पाया जाता है वो और साथ के साथ स्थलीय समुद्र जो है इनमें जो जल है वो भी शून्य दशमलव शून्य शून्य नौ प्रतिशत है वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में जो जल उपलब्ध है वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में जो जल उपलब्ध है वो है इतना बहुत कम यानी कि शून्य दशमलव शून्य शून्य एक नौ प्रतिशत और इसके अलावा अब नदियों में जो जल देखेंगे वो क्या है शून्य दशमलव शून्य 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 प्रतिशत है ना आप देख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो जल की उपलब्धता है उसमें से जहां जहां भी जल इस रूप में है जहां पर उसमें बहुत ज्यादा नमक घुला हुआ हो या जल जो है वो जमा हुए जमी हुई स्थिति में दिखाई दे रहा हो उस जल का तो हम इस्तेमाल कर नहीं सकते कर सकते हैं क्या आपको बोला जाए कि आ, आपको एक ग्लास पानी की आवश्यकता और कोई एक गिलास बर्फ भर कर दे दे क्या आप पी पाएंगे नहीं पी पाएंगे आपकी प्यास बुझ पाएगी नहीं बुझ पाएगी या फिर आपको सागर का खारा जल ला कर दे दिया जाए आप पीना पसंद करेंगे नहीं करेंगे इसलिए क्योंकि वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है वो हमारे लिए अनुकूल नहीं है हमारे लिए अनुकूल क्या है मीठा जल जिसमें लवण की मात्रा नहीं है या लवण की मात्रा कम है तो ऐसा जल जो है वो या तो हम भूमि से निकाल कर यूज कर सकते हैं है ना या तो हम क्या कर सकते हैं भूमि से निकाल कर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और या फिर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं नदियों के रूप में है ना नदियों से लाए हुए जल के रूप में जो है वो उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं तो ऐसा करके जो है वो अलग अलग रूपों में एक तो वितरण है किसका जल का दूसरा आप जानेंगे कि अगर हमारे पास जो है जल जो है वो लवणीय है तो लवणीय जल की जो लवणता है उसकी जो सैलिनिटी है वो मैंने बताया एक समान नहीं होती लवणीय जल की लवणता एक समान नहीं होती है ना एक समान नहीं होती तो अगर एक समान नहीं है इसकी लवणता इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब सीधा सीधा हो जाता है कि जो लवणीय जल है उसमें नमक ज्यादा घुला हो सकता है या उसमें नमक आवश्यकता के अनुसार जो है वो थोड़ा कम भी हो सकता है ठीक है तो ऐसे में लवणता का जो मापन है लवणता के मापन के लिए लवणता के मापन के लिए क्या यूज करते हैं तो यहां पर यूज करते हैं पीपीटी है ना पीपीटी को क्या बोलते हैं भाग प्रति हजार मापन के लिए न लिखकर हम इसको लिख सकते हैं लवणता का मापन लवणता का मापन भाग प्रति हजार के रूप में किया जाता है ठीक है भाग प्रति हजार के रूप में किया जाता है भाग प्रति हजार का मतलब क्या हुआ ठीक है सबसे पहले तो ये भाग प्रति हजार जो है इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखना चाहूंगा अगर संकेत के रूप में लिखें तो जैसे परसेंटेज बनाते हैं तो उसमें हम ऐसे इस तरीके से बना देते हैं इसको हम ऐसा बनाएंगे यानी नीचे में जो है वो दो बिंदी रहेगी है ना इस तरीके से नीचे में दो बिंदी आपकी रहेगी अब यहां पर आप देखें कैसे हम यूज कर रहे हैं तो कहा कि एक किलोग्राम नमक में एक किलोग्राम जल में सॉरी एक किलोग्राम या फिर एक हजार ग्राम कुछ भी कर ले एक किलोग्राम को एक हजार ग्राम बोल सकते हैं एक किलोग्राम जल में घुले घुले नमक की मात्रा ठीक है तो जैसा यहां पर बुक में उदाहरण दिया गया है कि अगर एक के जी जल में जल में पैंतीस ग्राम नमक घुला हो या पैंतीस ग्राम लवण घुला हो ठीक है तो लवणता कितनी होगी तो जल की लवणता कितनी होगी उसकी सैलिनिटी कितनी होगी तो बोलेंगे 35 पीपीटी इसको लिखेंगे कैसे इस तरीके से इसको क्या लिखेंगे 35 पीपीटी और वो 35 पीपीटी इस रूप में लिखा जाएगा इसका मतलब जब भी आप लवणता की बात करते हैं तो वहां पर आपको ध्यान देना होगा कि लवणता हमेशा जो है लवणता हमेशा जो है वो पीपीटी में मेजर किया जाएगा और पीपीटी में जब आप मेजर करेंगे लवणता को तो उसमें आपको देखना है कि एक हजार ग्राम जल में नमक की कितनी मात्रा या लवण की कितनी मात्रा जो है वो घुल जाती है देखिए ये भी आपको ध्यान रखना है कि जल में जितनी ज्यादा मात्रा में लवण घुला रहेगा जल की जल का घनत्व तो भी उतना ज्यादा होगा जल का घनत्व तो उतना ही ज्यादा होगा यह भी आपको ध्यान में रखना है ओके अब जो जल है वो क्या हो रहा है महासागरों में जब आप देखेंगे तो ये जल महासागरों में वैसे तो आपको अगर बोला जाए तो आप कहेंगे कि दूर तक महासागर में या तो जल जो है वो बड़े स्थिर रूप में दिखाई देता है और या फिर हमें ऐसा दिखाई देता है कि महासागरों का जल का जो ऊपरी भाग है वो एक और बहुत तीव्र गति से प्रवाहित हो रहा है और जब महासागरों का जल खासतौर से तटों के सहारे है ना खासतौर से तटों के सहारे बहुत तीव्र गति से ठीक उसी प्रकार प्रवाहित हो जैसे कि नदी में जल प्रवाहित होता हुआ दिखाई देता है तो आप महासागरीय जल के इस प्रकार के प्रवाह को क्या बोलेंगे महासागरीय धारा बोलेंगे ध्यान ये रखना है कि महासागरीय धारा जब भी बनती है तो वो महासागर के सिर्फ ऊपर वाले हिस्से के जल का ही प्रवाह प्रदर्शित करती है यानी महासागर का जो जल है समुद्रतल से कुछ मीटर नीचे तक ये कुछ मीटर नीचे हो सकता है आप कह ले कि 25 मीटर हो सकता है 50 मीटर हो सकता है 60 मीटर हो सकता है मतलब 100 मीटर से अंदर तक का जो जल है वो जब एक साथ इस तरीके से मूव करता है कहां से लेकर समुद्र तल से लेकर नीचे तक इतनी गहराई का जल जो है इस तरह से मूव करेगा जब तो आप इसे बोलेंगे कि ये क्या है सागर का ऊपरी ऊपरी परत की जो का जो है वो जल है और जब ये जल एक निश्चित दिशा में तटों के सहारे मूव करे ठीक उसी प्रकार से जैसे कि स्थलीय भाग पर नदियां प्रवाहित होती हैं तो आप इसे क्या बोलेंगे इसे आप महासागरीय धारा बोलेंगे यहां पर मैं जो बताना चाह रहा हूं उसको आप देखिए यहां पर बताया जा रहा है टॉपिक में महासागरी परिसंचरण के बारे में और ये बताया जा रहा है कि महासागरी महासागरों में जो जल का परिसंचरण होता है या जल की जो गतियां होती हैं उनको हम तीन प्रकार से विभाजित कर सकते हैं एक सामान्य रूप से तरंगों की बात कर सकते हैं दूसरा ज्वार भाटा और तीसरा धाराएं अभी जो मैंने जिक्र किया आपसे वो किया धाराओं के बारे में एक जो हो सकता है महासागरीय एवं सागरीय तरंगे हो सकती है महासागरीय जल में जल की गतियां है ना अगर हम इसको इस तरीके से देखें मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर और सी वाटर तो ओशन वाटर या सी वाटर का जो मूवमेंट होगा वो कितने रूपों में दे सकते हैं पहला जो होगा वो होगा तरंग के रूप में ये तरंग जो है इनको आप सी वेव्स भी बोल सकते हैं या ओशन वेव्स बोल सकते हैं और ये तरंग जो है कैसे पैदा होती है तो बोला गया कि तरंगे जो पैदा होंगी वो होंगी हवा के घर्ष हवा के द्वारा जो घर्षण उत्पन्न किया जाता है जलीय सतह पर उसके कारण जो जल है सतह का जो जल है वो खिंचकर एक दिशा में जाता है या उसी दिशा में जाता है जिस दिशा की ओर हवा बह रही होती है और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो जल है वो अगर इस तरीके से बहता हुआ जाए तो उसे हम तरंग बोलते हैं ठीक है अब ये जल जब जा रहा है उसने सागरी तरंग सागरीय जल को सतही जल को ऊर्जा दिया और उस ऊर्जा से उसका मूवमेंट शुरू हो गया तो तरंगे जो हैं, वो कहां से कहां ये कोस्ट से जा सकती हैं समुद्र के से तटों की तरफ जा सकती है और फिर वहां से वापस भी लौट सकती है एक सामान्य ऐसी गति है जो कि आपको दैनिक रूप से और लगातार दिखाई देती है दिन भर में इस तरीके से तरंगे आएंगी वापस जाएंगी तरंगे आएंगी वापस जाएंगी है ना ये सारा जो कार्यक्रम है वो चलता रहता है ठीक तो तरंगों की उत्पत्ति कैसे होती है इनकी उत्पत्ति इनकी उत्पत्ति सतही जल के ऊपर से सतही जल के ऊपर से बहने वाली पवनों बहने वाली पवन के द्वारा प्रदत्त के द्वारा प्रदत्त घर्षण बल से होता है यानी पवन जो है वो खींच कर अपने साथ जो लाती है घर्षण बल के द्वारा होता है ये तरंगों के लिए बता दिया दूसरा जो मूवमेंट है इनको बोल रहे हैं आप ज्वार भाटा। दूसरा जो मूवमेंट है इनको क्या बोल रहे हैं आप ज्वार भाटा बोल रहे हैं टाइट्स बोल रहे हैं टाइड्स की उत्पत्ति कैसे होती है इनकी जो उत्पत्ति है वो हो रही है सतही जल पर सागर या महासागर का जो सतही जल है उस सतही जल पर चंद्रमा मैं चंद्रमा पहले लिखूंगा यहां पर चंद्रमा एवं सूर्य द्वारा एवं सूर्य द्वारा लगाए जाने वाले लगाए जाने वाले आकर्षण बल्ब इस आकर्षण बल के कारण ऐसा देखने को मिल रहा है समझ रहे हैं आप तो एक तरफ तरफ हो हो गया दूसरी तरफ गया दूसरी टाइड्स और तीसरा क्या बताया धारा ये जो आप चित्र यहां पर देख पा रहे हैं इस चित्र में कई सारे एरोज बनाए गए आप देख रहे हैं कई सारे तीर के निशान बनाए गए ये जो तीर के निशान है ये उन्हीं धाराओं को प्रदर्शित कर रहे हैं और आपको एक चीज और स्पष्ट नजर आ रही होगी कि ये जितने भी तीर बनाए गए हैं वो तटों के समानांतर बनाए गए हैं ना तटों के इस तरीके से पैरल बनाए गए हैं तो तटों के पैरल बनाए जाने के कारण उनके समानांतर बनाए जाने के कारण हम यहां पर बात करते हैं कि ये जो है तटों के समानांतर इस तरीके से बनाया गया तो ये जो है वो क्या है धाराओं को प्रदर्शित कर रहे हैं है ना और धाराएं कैसे उत्पन्न हो रही है उत्पन्न होने के पीछे रीजन बताए जाते हैं उसमें मुख्य रूप से जल के घनत्व में एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच जो सागरीय जल का घनत्व होता है उसमें अंतर की वजह से ये धाराएं उत्पन्न होती है इसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे ठीक है तो एक एक करके हम इन चीजों के बारे में यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट एक फैक्ट भी दिया हुआ है कि बाईस मार्च को हम विश्व जल दिवस जो है वो मनाते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है ओके आइए तरंगे क्या है तो जब महासागरी सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे बोलते हैं अच्छा यहां पर जो है वो कारण नहीं दिया गया है बट आप ध्यान में रखेंगे कारण जो है वो यहां पर बॉक्स में दिया हुआ है देखिए बॉक्स में लिखा हुआ है जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है पवन जितनी तेज बहती है तरंगे भी उतनी बड़ी हो जाती है तूफान में तेज वायु चलने से विशाल तरंगे उत्पन्न होती है और इनके कारण अत्यधिक विनाश होता है ये तरंगे तब भी पैदा होती हैं जब आप कहते हैं कि भूकंप आता है उस सागरी क्षेत्र में या ज्वालामुखी उद्गार होता है या जल के नीचे भूस्खलन होता है तो इनके कारण भी महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है इसके परिणाम स्वरूप भी बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची तरंगे उठती हैं ऐसी तरंगों को क्या कहते हैं सुनामी कहते हैं तो सुनामी भी क्या है अगर सागरी जल में आपने सुनामी सुना तो सुनामी जो है वो हमेशा एक ऊंची तरंग होती है सबसे विशाल सुनामी जो है वो 150 मीटर मापा गया था और ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे की इसके भी अधिक गति से चल रही थी 2004 में भी भारत के तटीय क्षेत्र में अत्यधिक विनाश हुआ था और इसमें खासतौर से अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो इंद्रा पॉइंट था वो डूब गया था ठीक है इसमें आपको ध्यान में रखना है कि छब्बीस दिसंबर दो को जो सुमात्रा का क्षेत्र है वहां पर रिक्टर पैमाने पर नौ दशमलव शून्य के तीव्रता वाला जो है वो भूकंप आया था इस भूकंप के आने से भारतीय प्लेट जो है वो बर्मा प्लेट के नीचे धस गई थी यानी नीचे चली गई थी और समुद्र तल में बहुत तेजी से गति उत्पन्न है जिसके कारण ये भूकंप आया और यहाँ पर जो जल है वो बहुत तेजी से ऊपर उठा जिसके कारण सुनामी की जो तरंगे हैं वो पैदा होना शुरू हो गई लेकिन साथ के साथ ये भी बताया गया कि जो महासागरीय तल है वो 10 से 20 मीटर नीचे विस्थापित हो गया नीचे चला गया और इसकी वजह से इसके विस्थापन के कारण जो महासागरीय जल है वो उस ओर बहने लगा जहां कर वो विस्थापित हो गया था और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के जो समुद्र तटों से जल जो है वो हटने लगा ऐसे में भारतीय प्लेट जो है वो बर्मा प्लेट के नीचे चली गई और उसके नीचे जाने के कारण बहुत तेजी से लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है तरंगे चलने लगी और इससे जो है वो सुनामी उत्पन्न हो गया इसी दौरान जो है वो इंदिरा पॉइंट भी नीचे चला गया ये यहां पर बताया गया है इस फैक्ट को आप पढ़ लेंगे ठीक है इसके बाद देखिए ज्वार भाटा की बात यहां पर की जा रही है इस भाटा को समझने का प्रयास करेंगे महासागरीय जल का उठना और गिरना इसी को हम बोलते हैं ज्वार भाटा मैं अगर इसका सिंपल डेफिनेशन दू तो हम बोलते हैं कि सामयिक रूप से एक विशेष समय पर महासागरीय जल का ऊपर उठना और फिर नीचे गिर जाना उसके औसत तल से समुद्र तल से तो इसको आप ज्वार भाटा की श्रेणी बताते हैं या इसको आप ज्वार भाटा की कंडीशंस जो है वो बताते हैं तो ज्वार भाटा की स्थिति कब बनती है जब सूर्य और चंद्रमा अपने गुरुत्वाकर्षण बल से महासागरीय जल को खींचते हैं यहां पर थोड़ा सा मैं अगर इसको चित्र की सहायता से आपको बताऊं तो देखिए हम यहां पर जो है कुछ चीजें इस तरीके से समझ सकते हैं ये मैंने बना दिया मान लीजिए कि ये पृथ्वी है ठीक है मैं इसी का एक और इस तरीके से बना देता ठीक है और इस पृथ्वी के चारों ओर जो है अगर मैं यहां पर बना दो इस तरीके से सागरीय क्षेत्र बना दो ऐसे करके ठीक है ऐसे करके जो है वो सागरीय क्षेत्र बना दो ठीक और यहां पर भी जो है उसी तरीके से एक जो है सागरीय क्षेत्र मैं यहां पर भी बना देता ठीक तो ये सागर का तल है जो कि आपको पृथ्वी के ऊपर दिखाई दे रहा है ठीक है ये वाला जो हिस्सा बाहर वाला जो सर्कल है ठीक अब क्या होगा कि जब पृथ्वी पर जो है वो सूर्य का और चंद्रमा का जो है वो गुरुत्वीय बल लगेगा तो मान लीजिए मान लीजिए कि सूर्य और चंद्रमा जो हैं वो एक ही ओर से गुरुत्वीय बल लगा रहे हो इसमें अगर हम कहें कि इधर की ओर जो है वो हमने बड़ा सा जो है वो सूर्य बना लिया इस तरीके से सॉरी इसमें जो है वो हमने बड़ा सा एक सूर्य बना लिया इस तरीके से और सूर्य जो है वो क्या कर रहा है कि इस ओर है ना इस ओर जो है वो खींच रहा है जल को अपने गुरुत्वाकर्षण बल से और बीच में जो है वो हमने बना लिया क्या चंद्रमा ठीक है बीच में जो है वो हमने बना लिया चंद्रमा ये चंद्रमा भी क्या कर रहा है जल जल को इस तरीके से खींचने का काम कर रहा है ठीक है यहाँ पर ऐसा करते हैं कि इस चंद्रमा को मैं थोड़ा कलर कर देता हूँ जिससे आपको आसानी हो समझने में. ठीक है ये चंद्रमा हो गया अब दोनों का काम क्या है दोनों का काम है कि ये इस दिशा में है ना इस दिशा में जो है वो जल को खींच रहे हैं ये भी खींच रहा है इस दिशा में और ये भी खींच रहा है इस दिशा में सूर्य भी खींच रहा है इस दिशा में तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये जो आपको जलीय सतह दिखाई दे रहा है ये इस ओर खिंचेगा ऐसे और जब ये जलीय सतह खिंचेगा इधर तो मैं आपको बताऊं कि ये जलीय सतह जो है वो सिमिलर कंडीशन में इधर भी उतना ही खिंचेगा ठीक है अब आप देखें कि ये जो जल का सतह खिंच रहा है उसमें क्या होगा कि यहां पर जो इस तरफ जल के का लेवल था वो क्या हो जाएगा इस तरीके से घटेगा और ये वाला जल का स्तर जो है वो बढ़ेगा जब ये जल का स्तर बढ़ेगा तो इसी को हम बोलेंगे ज्वार भाटा की स्थिति यहां पर उत्पन्न हो रही है यहां पर क्या हो रहा है ज्वार भाटा की स्थिति उत्पन्न हो रही है इसी संदर्भ में आपको ये भी मैं बता दूं कि जो पृथ्वी है वो अपने इस पर तो घूम ही रही है ठीक है लेकिन उसके साथ साथ लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि जो चंद्रमा है वो भी पृथ्वी के आगे आगे पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में घूम रहा है तो जहां जहां पर चंद्रमा जाएगा वहां वहां पर क्या होगा इस प्रकार का खिंचाव उत्पन्न होगा इसमें भी आपको यह ध्यान रखना है कि वैसे तो हमने बोला कि सूर्य और चंद्रमा सूर्य और चंद्रमा इन दोनों के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है लेकिन अगर हम देखें तो सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा द्वारा लगाया जा रहा गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा इसलिए क्योंकि सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा पृथ्वी के ज्यादा निकट है और निकट होने के कारण इसका बल जो है वो पृथ्वी पर ज्यादा महसूस किया जाएगा तो इस तरीके से पृथ्वी की सतह पर ये जो है वो जलीय भाग इस तरीके से खिंचाव प्रदर्शित करेगा और उस खिंचाव के कारण क्या होगा यहां से ये जलीय हिस्सा जो है वो इधर खिंच रहा है और ये जलीय हिस्सा इधर खिंच रहा है आपके जहन में एक बात आएगी कि सूर्य और चंद्रमा तो इस तरफ है तो जल को इस तरफ खिंचना चाहिए दूसरी तरफ जल क्यों खिंच रहा है तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान में मैं बताऊं कि सूर्य और चंद्रमा के अलावा एक और विशेष प्रकार का खिंचाव है जो कि सूर्य और चंद्रमा द्वारा लगाए जा रहे गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित करने के लिए जिस बिंदु पर वो खिंचाव चल रहा है उसके ठीक विपरीत वाले स्थान पर या विपरीत बिंदु पर इसी प्रकार का खिंचाव महसूस किया जाएगा और उस खिंचाव से समान ऊंचाई के जो है वो जल स्तर जल स्तर में समान ऊंचाई जो है वो उठेगी ठीक है तो यहां पर हम बोलते हैं कि इस तरफ तो है इस तरफ तो है सूर्य एवं चंद्रमा का सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रहा है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करेंगे दूसरी ओर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपको क्या दिखाई देगा यहां पर आपको क्या दिखाई देगा संतुलित करने वाला अपकेंद्रीय बल ठीक है यहां पर सेंटिफिकल फोर्स बैलेंसिंग सेंटिफिकल फोर्स लगेगा उस बैलेंसिंग सेंट्रिफिकल फोर्स की वजह से दूसरी तरफ भी उतनी ही ऊंचाई का तक जल जो है वो उठेगा तो इसलिए आप कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पर पर एक ही समय में दो विपरीत बिंदुओं ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं एक तरफ जो होगा वो ज्वार उत्पन्न होगा सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण दूसरी तरफ उत्पन्न होगा अपकेंद्रीय बल के कारण जो कि उसको संतुलित करेगा क्योंकि संतुलन जो है वो बहुत जरूरी है अन्यथा क्या होगा कि इस तरफ जल खिंच गया तो यहाँ 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 पर अगर जल खिंचा तो बाकी का जल जो है वो इस तरीके से उसी तरफ मूव करेगा ऐसे में जब जल उस तरफ मूव करेगा सारा जल तो पृथ्वी के हर एक क्षेत्र में बहुत सारा क्षेत्र जो है वो जल प्लावित हो जाएगा यानी वहां पर ऊपर स्थल के ऊपर जो है वो जल आ जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है जल स्तर जब नीचे जा रहा है एक तरफ तो वहीं दूसरी तरफ जल जो है वो दोनों तरफ खींचकर बैलेंस हो जा रहा है ठीक है तो दो तरीके से हो गया अब आप कह सकते हैं कि एक स्थिति और भी बनेगी यहाँ पर जैसे अगर हम कहें कि यहाँ पर एक स्थिति ऐसी बन रही है जिसमें सूर्य जो है वो तो अपनी जगह पर ही है लेकिन चंद्रमा घूमता घूमता चंद्रमा जो है वो घूमता घूमता एक दूसरी पोजीशन पर पहुँच गया है ये हमने सूर्य की पोजीशन यहीं पर रखी हुई है सूर्य जो है वो इसी तरीके से जो है वो अपने स्थान पर बना हुआ है ठीक है सूर्य इसी तरह से अपने स्थान पर बना हुआ है और चंद्रमा जो है उसको हमने मान लिया कि ये जो है चंद्रमा वो पहुंच गया है इस जगह पर चंद्रमा जो है वो पहुंच गया है ठीक ऊपर चंद्रमा जो है वो पहुंच गया है ठीक ऊपर ठीक ऐसी स्थिति में क्या होगा ऐसी स्थिति में चंद्रमा चूंकि निकट है इसलिए चंद्रमा जो है इसको खींचेगा जल को अपनी तरफ खींचेगा ऐसे और जब चंद्रमा के द्वारा जल खींचा जाएगा तो इस वाले इस वाले हिस्से से जो जल है वो क्या होगा पीछे की तरफ जाएगा अच्छा चंद्रमा जब जल को उधर खींच रहा है तो ऐसी स्थिति में इस वाले हिस्से का भी जो जल है वो क्या होगा ऐसे नीचे की ओर आएगा और ऐसे हिस्से में सूर्य की तरफ का जो हिस्सा होगा सूर्य की तरफ का जो हिस्सा होगा वो क्या होगा थोड़ा थोड़ा इस तरीके से जो है वो दब जाएगा ऐसे करके तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि जो ज्वार की ऊंचाई होगी वो उतनी नहीं होगी जितनी की हमको इस वाले हिस्से में जो है वो दिखाई दे रही है, है ना ज्वार की जो ऊंचाई होगी वो उतनी नहीं होगी जैसा कि हमें पहले वाले में दिखाई दे रही क्यों इसलिए क्योंकि इधर जो है वो जल को सूर्य अपनी ओर खींच रहा है सूर्य जो है वो जल को क्या कर रहा है अपनी ओर खींच रहा है और चंद्रमा जो है वो जल को अपनी ओर खींच रहा है और इधर की ओर देखेंगे तो बैलेंसिंग फोर्स भी लग रहा है जिस बैलेंसिंग फोर्स की वजह से जो है वो जल दूसरी तरफ भी खिंच रहा है खैर बैलेंसिंग फोर्स तो देखिए हर जगह लगेगा ठीक है इस बैलेंसिंग फोर्स की बात अभी नहीं करते लेकिन चूंकि चंद्रमा और सूर्य जो है वो दोनों विपरीत दिशा में या राइट एंगल पर समकोण पर जल को खींच रहे हैं इसलिए जल उस ऊंचाई तक नहीं बढ़ पाएगा जिस ऊंचाई तक पहले वाले केस में पड़ रहा था जहां पर सूर्य और चंद्रमा सम्मिलित रूप से जल को खींच रहे थे तो इसलिए यहां पर ज्वार की ऊंचाई क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ठीक तो जब ज्वार की ऊंचाई खूब ज्यादा हो तो यहां उस जगह पर हम बोलेंगे क्या हो गया उस जगह पर जो है वो उच्च ज्वार की स्थिति बनेगी है ना ज्वार की ऊंचाई जहां पर ज्यादा हो वो क्या होगा तो वो हम बोलेंगे कि वहां पर उच्च ज्वार की स्थिति होगी ये क्या हो गया इसको हम बोलेंगे कि यहां पर उच्च ज्वार की स्थिति है यहां पर उच्च ज्वार की स्थिति है और वहीं दूसरी ओर यहां वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये यह यहां पर जो है वो जल का स्तर बहुत नीचे है तो इसलिए यहां पर आप क्या बोलेंगे इस स्थान को बोलेंगे कि यहां पर निम्न ज्वार की स्थिति है क्या है निम्न ज्वार की स्थिति है जब सिर्फ चंद्रमा जब चंद्रमा और सूर्य इस तरीके से समकोण पर हो तो चूंकि चंद्रमा नजदीक है इसलिए चंद्रमा के पास जो ज्वार बनेगा चंद्रमा के कारण जिस जगह पर ज्वार बनेगा उसकी ऊंचाई ज्यादा होगी और उस जगह पर हम कहेंगे क्या हो जाएगा उस जगह पर उच्च ज्वार की स्थिति आपको दिखाई देगी क्या होगा यहां पर उच्च ज्वार होगा ठीक है और दूसरी जगह जहां जो सूर्य की तरफ होगा वहां कम ऊंचाई उठेगी तो उस जगह पर बोलेंगे कि कौन सा ज्वार होगा निम्न ज्वार की स्थिति दिखाई देगी आप समझ पा रहे हैं इस चीज को जो है वो हम यहां पर हम अर्थ को एक बार कवर कर देते हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी समझने में ठीक है ये हो गया भाई है ना हमें जो ज्वार भाटा उठते हुए मिले या गिरते हुए मिले जो ज्वार की स्थिति मिल रही है वो इन रूपों में मिल रही है अब मैं यहां से पर आपको जो है वो टेक्स्ट बता देता हूं जब समुद्र का जल जो है वो तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है सर्वाधिक ऊंचाई तक जाता है तो उसे ज्वार कहते हैं ठीक जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं और तट के पीछे चला जाता है तो उसे क्या बोलते हैं भाटा बोलते हैं यानी जल उठा और जल उठकर कैसे उठता हुआ जल इससे तटों की तरफ जाएगा तो इसको ज्वार बोलेंगे नीचे गिरता हुआ जल तट से दूर जाएगा तो इसको भाटा बोलेंगे आप समझ रहे हैं दोनों चीजें ये तट हो गया ये समुद्र का तट हो गया समुद्र का जल इधर से आ रहा और ये जल उठता हुआ तट की तरफ आ रहा है तो ये ज्वार हो गया ये नीचे गिरता हुआ तट से दूर जा रहा है तो ये क्या हो गया भाटा हो गया ठीक है तो सेम कंडीशन है यानी एक ज्वार के बाद भाटा आएगा ही आएगा एक बार जल ऊपर उठकर गया तो दोबारा वो क्या होगा ठीक उसके बाद वो नीचे की ओर आएगा तट से दूर जाएगा और उसको हम भाटा की स्थिति जो है वो बोलेंगे ठीक है आपसे बताया जा रहा है कि सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते रहते हैं जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से अभिकर्षित होता जिसके है जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं इन्हें वृहत ज्वार कहा जाता है आप ध्यान रखिएगा वृहत ज्वार का टर्म आया है यहाँ पर क्या आया है यहाँ पर वृहत ज्वार का टर्म आया है वृहत ज्वार कब होगा जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होंगे और ये तीनों एक सीधी रेखा में कब होते हैं पूर्णिमा और अमावस्या के दिन अभी मैं इस पर चर्चा करूंगा लेकिन जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो पृथ्वी एवं सूर्य गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरी जल पड़ता है और परिणाम स्वरूप निम्न ज्वाराटा आता है ऐसे ज्वाराटा को लघु ज्वारा कहा जाता है ठीक है तो चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो उस समय क्या होता है निम्न ज्वार भाटा आता है और ऐसे को हम लघु ज्वार भाटा कहते हैं ठीक है उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है ये जल के स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं और उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं उच्च ज्वार के दौरान यानी हाईटाइट के दौरान जो अनेक मछलियां के निकट आ जाती है मछलियां मच, पकड़ लेते हैं कुछ स्थानों पर ज्वार के होने से जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है इसको हम क्या बोलते हैं टाइडल वेव इलेक्ट्रिसिटी ठीक है इसको क्या बोलेंगे टाइडल वेव इलेक्ट्रिसिटी टाइडल वेव इलेक्ट्रिसिटी की बात की गई है ठीक है अब मैं आपको ये वाली स्थिति बता देता हूं जो वृहत भाटा और लघु ज्वार भाटा के ये जो चित्र बताए गए हैं देखिए यहां पर बहुत आसानी से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि जो सूर्य है है ना वो तो अपनी जगह पर ही है सूर्य जो है सूर्य जो है वो इस तरीके से अपने जगह पर ही है और पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर काट रही है पूर्णिमा और अमावस्या का दिन जो है वो कब आता है पूर्णिमा का दिन तब आता है जबकि हमें चंद्रमा जो है वो पूरा दिख रहा होता है चंद्रमा पूरा क्यों दिखता है इसलिए क्योंकि सूर्य की पूरी रोशनी सूर्य की जो रोशनी है वो चंद्रमा के पूरे भाग पर पड़ रही होती है इस पूरे भाग पर कब पड़ेगी और हमें चंद्रमा का पूरा भाग दिखाई देगा जबकि चंद्रमा जो है वो जबकि पृथ्वी जो है वो क्या हो पृथ्वी जो है वो मुख्य रूप से सूर्य और चंद्रमा के बीच में हो तभी ये स्थिति दिखाई देगी यानी कि अगर हम ये वाले स्थिति देख रहे हैं नीचे वाली है ना ध्यान रखेंगे जरा ये सूर्य हो गया जब हम नीचे वाली देखी स्थिति देखें जिसमें कि हमारी जो पृथ्वी है ये पृथ्वी यहां पर उपलब्ध है है ना ये पृथ्वी यहां बीच में उपलब्ध है और चंद्रमा जो है वो इस दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रहा है चंद्रमा जो है वो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है इस वाले पोजीशन पर तब क्या होगा तब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पूरी तरीके से पड़ेगा और चंद्रमा का वो आधा भाग जो पूरी तरीके से क्या हो रहा हो चमक रहा हो वो हमें दिखाई देगा तो पूर्णिमा हो गया है ना ये वाली स्थिति क्या हो गई ये वाले स्थिति हो गई आपकी पूर्णिमा की स्थिति अब जब पूर्णिमा है तब भी क्या होगा जब पूर्णिमा है तब भी सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में है वहीं दूसरी ओर यहां पर देखेंगे तो ये रहा आपका चंद्रमा जो कि घूमता घूमता आ गया सूर्य और पृथ्वी के बीच में है ना इस तरीके से ये चंद्रमा जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ गया और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो पृथ्वी है वो इस तरीके से दिखाई दे रही है पृथ्वी जो है वो अब आ गई है किधर एक दूसरे किनारे पर आ गई है ये सारा रिलेटिव पोजिशन है तो इस पोजिशन में भी क्या है इस पोजिशन में भी आप कह रहे हैं कि सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी जो है वो एक सीधी रेखा में है।, है ना इस वाले में भी नीचे वाले में भी एक सीधी रेखा में ऊपर वाले में भी एक सीधी रेखा में लेकिन नीचे वाले में जो ऊपर वाले में जो स्थिति है ये क्या है अमावस्या की स्थिति अमावस्या क्यों है इसलिए क्योंकि चंद्रमा का जो आधा भाग पृथ्वी की ओर से दिखाई देगा वो सूर्य के सम्मुख नहीं है और सूर्य के सम्मुख न होने के कारण सूर्य के सामने नहीं होने के कारण उस आधे हिस्से को हम देख नहीं पाएंगे है ना उस आधे हिस्से को हम क्या है नहीं देख पाएंगे वो आधा हिस्सा हमें दिखाई नहीं देगा ये वाला जो आधा हिस्सा है वो अंधकार में होगा क्यों अंधकार में होगा इसलिए क्योंकि ये आधा हिस्सा सूर्य के पीछे है ठीक है और इस वाले के केस में क्या होगा ये जो आधा हिस्सा है वो हमसे ठीक विपरीत होगा हमें जो है वो एलिमिनेटेड पार्ट दिखाई देगा तो हम जो है वो इस वाले हिस्से को देख पाएंगे जो इधर दिखाई दे रहा है आपको है ना तो ऐसी स्थिति में पूर्णिमा और अमावस्या के दिन चांद का अलग अलग हिस्सा हमें दिखाई देता लेकिन हमें उस हिस्से से मतलब नहीं है कि क्या दिखाई दे रहा है हमारे लिए कंसर्न पार्ट क्या है कि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में है तो आपसे ये कहा जा रहा है कि दोनों ही समय में वृहद ज्वार की स्थिति बनेगी क्या बनेगा वृहद ज्वार की स्थिति बनेगी तो हमें समझना यह है कि वृहद ज्वार ज्वार क्यों बनेगा देखो बहुत आसानी से इस चीज को तो हम समझ पाए हैं कि जब चंद्रमा और सूर्य एक ही तरफ हो पृथ्वी के तो ये दोनों मिलकर खींचेंगे तो इस तरह से वृहद ज्वार बन जाएगा यह अमावस्या वाले दिन हो रहा है या फिर अमावस्या के साथ साथ आप बोल सकते हैं कि अमावस्या के दिन ही क्या होता है सूर्य ग्रहण भी होता है अमावस्या के दिन ही क्या होता है सूर्य ग्रहण भी होता है सूर्य ग्रहण वाले दिन भी क्या हो सकता है आ सकता है और पूर्णिमा वाले दिन क्या होता है पूर्णिमा वाले दिन चंद्र ग्रहण हो सकता है तो इस दिन भी वृहद ज्वार आ सकता है तो ग्रहण का अपना है ग्रहण के विषय में आपको पता है कि ये चंद्रमा बीच में आ गया तो पृथ्वी के जिस स्थान से हम देखेंगे चंद्रमा की छाया सूर्य पर पड़ेगी और इस वजह से हम कहेंगे सूर्य ग्रहण हो गया जब यहां चंद्रमा दिखाई दे रहा और पृथ्वी ठीक सामने आ गई पृथ्वी के जिस स्थान से हम देख रहे हैं अगर चंद्रमा का कोई हिस्सा नहीं दिख रहा है या आंशिक हिस्सा दिख रहा है क्योंकि सूर्य की किरणें जो है या सूर्य का प्रकाश जो है वो उसी आंशिक भाग पर या किसी भाग पर नहीं पड़ रहा है तो ऐसी स्थिति में चंद्र ग्रहण हो जाएगा ठीक है तो ये चीज तो समझ में आ रही है लेकिन सवाल है कि जब ग्रहण हो या पूर्णिमा का दिन हो तो वृहद ज्वार कैसे बनेंगे उसको आप यहां से समझ लीजिए उसको आप यहां से समझ लीजिए कैसे समझेंगे देखिए बड़ा आसान है समझना कि भाई ये रही पृथ्वी है ना इधर रहा सूर्य और यहां पर रहा चंद्रमा यहां पर रहा चंद्रमा तो अभी क्या होगा कि जो चंद्रमा है जो चंद्रमा है वो अपनी तरफ खींचेगा जो चंद्रमा है वो क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा किसको जल को ठीक है और उसी दौरान सूर्य जो है वो चंद्रमा से कुछ कम इधर खींचेगा इसलिए क्योंकि जो सूर्य के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो कम होगा ठीक है सूर्य के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो कम होगा वहीं दूसरी ओर मैं एक दूसरा कलर ले रहा हूं कि सूर्य ने जितने बल से खींचा उतना ही जो है एक मिनट सूर्य ने जितने बल से खींचा सूर्य ने जितने बल से खींचा उतना ही सेंट्रिफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल इधर लगा उतना ही अपकेंद्रीय बल जो है वो इधर लगा और चंद्रमा ने जिस गुरुत्वाकर्षण बल से खींचा उतना ही अपकेंद्रीय बल किधर लगा इधर भी लगा क्योंकि अपकेंद्रीय बल किस वजह से है ये संतुलित करने की वजह से है है ना ये दोनों क्या कर रहे हैं अब केंद्रीय बल संतुलित करने का काम कर रहे हैं तो चूंकि ये संतुलित करने का काम कर रहे हैं इस वजह से आपको ये ध्यान रखना है चुकी ये संतुलित करने का काम कर रहे हैं इस वजह से यहां पर क्या होगा कि जो जल का स्तर होगा वो इस तरीके से ठीक है जल का जो स्तर होगा वो इस तरीके से जो है वो लगभग बराबर ऊंचाई के साथ ठीक है बराबर ऊंचाई के साथ यहां पर क्या होगा उठ जाएगा तो यहां पर आ जाएगा वृहद ज्वार यहां पर क्या जाएगा? आ जाएगा वृहद ज्वार आ जाएगा यह चीज आपको समझ में आनी चाहिए यानी इस तरफ भी क्या हुआ इस तरफ लग रहा है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और प्लस संतुलन करने वाला अपकेंद्रीय बल जो कि क्या कर रहा है सूर्य के आकर्षण का सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण वाला जो है जो संतुलन वाला है वो बराबर फोर्स लगेगा और इधर लगेगा दूसरी तरफ इधर क्या है तो कहा कि इधर जो है वो लगेगा सूर्य का गुरुत्वाकर्षण सूर्य का गुरुत्वाकर्षण प्लस संतुलन करने वाला अपकेंद्रीय बल संतुलन करने वाला अपकेंद्रीय बल और यह अपकेंद्रीय बल किसका संतुलन करेगा तो चंद्रमा के चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का तो अल्टीमेटली दोनों तरफ तो बराबर फोर्स लगी रहे हैं लेकिन जो ठीक है दोनों तरफ बराबर फोर्स लगी रहे हैं लेकिन दोनों के सम्मिलित रूप से क्या हो गया कि इस तरीके से जो है वो ज्वार उतना ही ऊंचा बना जो कि इस अमावस्या वाले दिन या सूर्य ग्रहण वाले दिन बन रहा अब यहां पर क्या है कि चंद्रमा और सूर्य दोनों इसी तरफ खींच रहे तो चंद्रमा वाला भी अपकेंद्रीय बल और सूर्य वाला भी अपकेंद्रीय बल जो है वो इधर काम करेगा तो उतनी ही ऊंचाई का ज्वार जो है वो बनेगा तो दूसरे वाले केस में कई बार समझने में दिक्कत होती है बाकी ये जो है वो प्रत्येक पक्ष के सातवें या आठवें दिन प्रत्येक पक्ष के सातवें या आठवें दिन जो है वो ऊपर वाली स्थिति बनती है जब निम्न ज्वार की स्थिति या लघु ज्वार भाटा जो है वो आता है क्यों क्योंकि सूर्य अपनी तरफ खींच रहा होता है चंद्रमा अपनी तरफ खींच रहा होता है सूर्य का बल इधर लग रहा होता है और चंद्रमा का आप केंद्रीय बल इधर लग रहा होता है तो इसमें जिस ज्वार की ऊंचाई ज्यादा होगी वो किस तरफ होगी जिधर चंद्रमा होगा है ना जिधर चंद्रमा होगा वहां पर ज्वार की ऊंचाई ज्यादा होगी जिधर सूर्य होगा उधर ज्वार की ऊंचाई जो होगी कम होगी ठीक है तो ऐसे करके ज्वार भाटा को जो है वो हम समझ पाते हैं ओके अब देखिए इसके बाद आगे चलते हैं महासागरी धाराओं की बात करते हैं तो महासागरी धाराएं जो है वो नियमित रूप से बहने जाने निश्चित दिशा में महासागरी सतह पर नियमित रूप से बहने वाली धाराएं है शुरुआत में ही आपको मैंने बताया था ठीक है महासागरी धाराएं जो हो सकती हैं वो अलग अलग आप कह सकते हैं कि तापमान वाली हो सकती हैं कुछ महासागरी धाराएं जो होती है वो गर्म होती हैं और कुछ ठंडी होती ठीक है।, है गर्म महासागरी धाराएं कौन सी होंगी जो कि या तो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होंगी और या फिर निम्न अक्षांश उच्च अक्षांश की ओर यानी ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने वाली होंगी ठीक है जो ठंडी धाराएं होंगी वो ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर यानी नीचे की आने वाली जो होंगी वो ठंडी धाराएं होंगी ऐसा हम मानते हैं यहाँ पर कई सारी धाराओं की का जिक्र किया गया है इन धाराओं को आप जो है वो अलग अलग रूप में देख सकते हैं मैं यहाँ पर कुछ धाराओं का जिक्र कर रहा हूं जैसे कि उत्तरी अमेरिका के आप उत्तर पूर्व में देखेंगे तो वहां पर लेब्राडोर की महासागरी धारा है जो कि ऊपर से नीचे की ओर आती है इस वाले चित्र में हम देख पाएंगे यहां पर जिन धाराओं का जिक्र किया गया मैं उन धाराओं को आपसे डिस्कस कर दे रहा हूं लेब्राडोर की महासागरी धारा इसके अलावा गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा के बारे में बात की जा रही है और इसके अलावा जहां पर भी गर्म और शीत जल धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माने जाते हैं जापान के पास उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट जो है वो कई इसके कई उदाहरण के रूप में दिखाए जा रहे हैं मैं आपको चित्र पर लाता हूं और जो चीजें वहां डिस्कस की गई है वो मैं इस चित्र की सहायता से आपको बता देता हूं ठीक है देखिए इस चित्र में आप बहुत सारी धाराओं के बारे में देख रहे हैं सबसे पहले तो जो काले जो धाराएं जो है आपको काले रंग की धाराएं दिखाई दे रही हैं इन काले रंग की धाराओं को हम इसलिए यहां पर देख पा रहे हैं क्योंकि ये कॉन्टिन्यूटी वाली है ना कॉन्टिन्यूटी कैसा तो ये लगातार काफी लंबी लंबी धाराओं के रूप में दिखाई दे रही है जब हम गर्म और ठंडी धाराओं की बात करते हैं तो उसमें हम मुख्य रूप से गर्म धाराओं को लाल रंग से और ठंडी धाराओं को नीले रंग से दिखाने की कोशिश करें हालांकि ये जो काले रंग की धाराएं हैं इसमें से भी आप ध्यान रखेंगे कि जो उच्च अक्षांश की हैं वो ठंडी धाराएं होंगी और जो निम्न अक्षांश की हैं या इक्वेटर के पास है वो गर्म धाराएं होंगी आपसे यहाँ पर जो जिक्र किया जा रहा है वो सिर्फ किया जा रहा है दो तीन धाराओं की मैं उनकी बात कर लेता हूं यहां पर यहां पर आपसे एक धारा की बात की गई है लेबराडोर की धारा लैबराडोर की जो धारा है ये उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्व में इस तरीके से उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर यानी ऊपर से नीचे की ओर ध्रुवों से रेखा की ओर चलती हुई आती है तो यह क्या कौन सी धारा होगी ठंडी धारा होगी आपको परिभाषा के अनुसार बताऊं मैं तो ठंडी धारा का मतलब क्या अरे भाई ठंडे करने का मतलब हो गया कि वो धारा जो कि क्या कर दे जिस जगह पर पहुंच रही वहां पर ठंडा उत्पन्न कर दे तो उसको बोलेंगे ठंडी धारा जैसे कि बोलते हैं ना हवा ठंडी है हवा ठंडी क्यों है क्योंकि जब वो हमारे शरीर से टकरा रही है तो हमें जो है वो ठंडक महसूस होती है तो उसको हमने ठंडी बोल दिया उसी तरीके से धारा के साथ क्या है कि कोई भी ऐसी धारा जो अपने क्षेत्र में पहुंचने पर जिस क्षेत्र में पहुंच रही वहां के तापमान को गिरा दे रही तो उसको ठंडी धारा बोलेंगे नॉर्मली उच्च अक्षांशों से आने वाली धाराएं जो होती हैं वो ठंडी धाराओं के रूप में जानी जाती हैं तो वो हो गया उसी तरीके से यहां पर गल्फ स्ट्रीम दिखाया गया है गल्फ स्ट्रीम जो कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे बहती है नीचे से ऊपर यानी भूमध्य रेखा से कहा ऊपर के उच्च अक्षांशों की तरफ तो इसको गल्फ स्ट्रीम इसको गर्म धारा के रूप में दिखाया जा रहा है लेबराडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की ठंडी धारा एक स्थान पर मिल भी रहे हैं जहां पर भी गर्म धारा और ठंडी धारा मिलती है वहां पर तापमान जो है जल का वो मॉडरेट हो जाता है मध्यमकारी हो जाता है और इस वजह से उस मध्यमकारी तापमान में जल के अंदर तटीय क्षेत्रों के पास बहुत ज्यादा जो है वो जलीय वनस्पतियां उग जाती हैं उन्हीं जलीय वनस्पतियों को मछलियां खाती हैं और मछलियों के को जो है चूंकि पर्याप्त भोजन मिलता है इसलिए उस क्षेत्र में मछलियों की उपलब्धता भी बहुत ज्यादा होती है इसीलिए ऐसे सारे क्षेत्र जहां पर गर्म और ठंडी धाराएं मिल रही होती है वो विश्व के अच्छे फिशरी वाले रीजन यानी मत्स्य के केंद्र जो है वो माने जाते हैं ठीक है ऐसा ही कुछ उदाहरण जो है वो यहां पर भी दिया गया है जिसमें नीचे से जा रही एक धारा है जब जो जापान के तट तक पहुंचती है इसको बोलते क्यूरोशियो की धारा और वहीं ऊपर से एक धारा आ रही है जिस धारा को नाम दिया गया ओयाशियो की धारा ये ठंडी धारा है जो रशिया के तट के सहारे होते हुए नीचे की ओर आती है और जापान तक पहुंचती है तो जापान के पूर्वी तट के पास आने पर ये दोनों धाराएं एक दूसरे से मिलती है गर्म और ठंडी धारा के मिलने से ठीक उसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है जैसे कि उत्तरी अमेरिका के पास हम देख रहे हैं जब लाब्राडोर की धारा गल्फ स्ट्रीम की धारा से मिल रही है तो यहां पर भी क्यूरोशियो और ओयाशियो के मिलने के कारण जापान के उस पूर्वी तटीय क्षेत्र में तापमान मध्यमकारी हो जाता है जलीय वनस्पतियां बहुत प्रचुर मात्रा में वहां पर उपलब्ध हो पाती है और इसी कारण उनको खाने वाली मछलियाँ भी जो है वो भारी संख्या में वहाँ पर उपलब्ध रहती हैं तो इस तरीके से जो जल वाला है उसमें हमने इतनी चीजों को जानने का प्रयास किया कि जल की गतियां किस प्रकार की हैं कैसे ये जो धाराएं हैं वो काम करेंगी वगैरह वगैरह चीजें तो इनको आप जरूर ध्यान में रखेंगे ठीक है अब आइए नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन से संबंधित प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन से संबंधित मैं इस चैप्टर में जो चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है कि इस पृथ्वी पर अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होने की वजह से अलग अलग जलवायु परिस्थिति होने की वजह से तापमान और वर्षा की मात्रा अलग अलग प्राप्त होती है और इसकी वजह से औसत तापमान और औसत वर्षा की मात्रा के आधार पर हर एक क्षेत्र में जो वनस्पतियां होती हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है ठीक है वनस्पतियों की जो उपलब्धता है या वनस्पतियां जो कि अलग अलग जगह पर पाई जा रही हैं, भिन्न भिन्न प्रकारों के साथ उनके निर्धारण करने वाले जो तत्व हैं उसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है वहां का तापमान और वहां पर उपस्थित वर्षा की मात्रा वहां पर प्राप्त की जाने वाली वर्षा की मात्रा इसी आधार पर आप वनस्पतियों का चयन करते हैं हमें लेकिन सबसे पहले यहां पर यह समझना है कि हम जब भी ऐसा टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं कि ये प्राकृतिक वनस्पति है क्या है प्राकृतिक वनस्पति बोलते हैं तो प्राकृतिक वनस्पति और वनस्पति में फर्क क्या होगा इस चीज को समझा जरा एक बार प्राकृतिक वनस्पति और वनस्पति में जो सबसे बड़ा फर्क है वो सिंपल सा फर्क ये है कि कोई भी चीज पेड़ पौधा या कुछ भी जब उगता है है ना ठीक है पेड़ पौधे कहीं भी उग रहे हैं अगर आपने अपने बागीचे में वृक्ष लगाया है अगर आपने अपने गमले में जो है वो पौधे लगाए हैं फूल के आपने अपने बागान में जो है वो अच्छे अच्छे जो है वो फूल के पौधे लगाए हैं या ऑर्नामेंटल ट्रीज लगाए हैं जो खूबसूरती घर को प्रदान करते हैं तो वनस्पतियां तो वो भी है पेड़ पौधे तो वो भी हैं लेकिन हम उन्हें प्राकृतिक वनस्पति नहीं कहेंगे प्राकृतिक वनस्पति कब हम बोलेंगे जब कहेंगे कि, कि किसी क्षेत्र में वहां पर उपस्थित या वहां पर उपलब्ध तापमान और वर्षा की मात्रा के कारण उगने वाली ऐसी वनस्पतियां जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उग रही हों, बिना किसी मानवीय सहायता के उग रही हों और उस क्षेत्र के साथ वो अधिक से अधिक सामंजस्यता बना के रख रही हों, तो ऐसी वनस्पतियों को हम प्राकृतिक वनस्पति बोलेंगे कोई भी कहीं भी वनस्पति उग रही हो ठीक है आप देखें आपके घर के आसपास आपने बहुत सारे ऐसे क्षेत्र देखे होंगे जहां पर बड़े बड़े मैदान हैं या किसी भी तरह की स्थितियां हैं बारिश के दिन से पहले जब बहुत गर्मी का दिन होता है सारे पेड़ पौधे सूख रहे होते हैं जैसे ही वर्षा होती है और वो क्षेत्र जो है पेड़ पौधों के सूखने के कारण बड़ा खाली खाली सा दिखाई देता है अचानक से बारिश होती है और बारिश होने के साथ ही क्या होता है कि उस जगह पर हरे हरे कई सारे पेड़ उग जाते हैं पौधे उग जाते हैं उनमें पत्तियां नहीं आ जाती हैं तो ये क्या है उसमें हमने क्या कुछ काम किया नहीं किया कोई मानवीय क्रियाकलाप की नहीं की किसी प्रकार से उनकी सहायता की नहीं की लेकिन वो फिर भी उग गए तो अगर वो उग गए तो उनको क्या बोलेंगे उस क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति बोलेंगे क्योंकि वो वनस्पतियां उस क्षेत्र के साथ पूरी तरीके से सामंजस्यता बना के रख रही है उस पूरी तरीके से क्या कर रही हैं वहां पर वो एडजस्ट कर गई हैं और उनके एडजस्टमेंट की वजह से क्या हो गया कि हम उनको किसी भी प्रकार के सहायता की आवश्यकता नहीं है कोई भी सहायता जो है वो उन्हें नहीं चाहिए ठीक है जी तो प्राकृतिक वनस्पति सीधे सीधे जो है वो ऐसी स्थिति को दर्शाते हैं ठीक यहां पर हम देखें क्या क्या हमसे बताया गया है स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं ऊंचाई में परिवर्तन के साथ साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है इन घटकों में अंतर के कारण किस स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता और प्रकार में भी परिवर्तन होता है आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पतियों को तीन मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है तो सबसे पहले तो मैंने आपको यह बता दिया कि प्राकृतिक वनस्पति अब प्राकृतिक वनस्पति के है ना यहां पर कारक अगर देख लेंगे तो कारक मैंने सबसे पहले दो बताए हैं बताया है किसी भी जगह का तापमान मैंने आपको बताया है कि वर्षा की मात्रा अच्छा वर्षा की मात्रा किससे डिसाइड होगी नमी की मात्रा के आधार पर और इसके अलावा बोला कि वहां पर मिट्टी कैसी है मिट्टी की मोटाई कैसी है कहां तक जो है वो मिट्टी उपलब्ध है क्योंकि मिट्टी से ही उन्हें क्या मिलने वाले हैं पोषक तत्व मिलने वाले हैं ठीक है और इसके अलावा जो है वो क्षेत्र की ढाल स्लोप कैसा है उसके आधार पर भी जो है क्योंकि ढाल जो है वहां पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है या नहीं आ रहा है इन चीजों पर भी कई सारी चीजें निर्भर करेंगे ढाल कैसा है वो पवन जो कि नमी लेकर आ रहा है उसकी तरफ है है ना पवना विमुखी है या पवन विमुखी है इस पर भी निर्भर करता है तो जो पवना विमुखी होंगे यानी उसकी तरफ जो ढाल होंगी जिधर से पवन आ रही है तो उस ढाल वर पर वर्षा ज्यादा होगी कल हम लोगों ने देखा था और वर्षा अगर ज्यादा होगी तो वहां पर वनस्पतियां भी ज्यादा उगेंगी ऐसा हम जो है वो समझ सकते हैं ठीक है चलिए जी अब वनस्पतियां तीन वर्ग में बांटी गई हैं तो एक तो हो गया जिसको आप बोलते हैं कि ये वन है दूसरे जो है वो घास स्थल है और तीसरे जो है वो कांटेदार झाड़ियां है वन कहां होंगे वन उन जगहों पर होंगे जहां की पर्याप्त वर्षा हो रही होगी पर्याप्त वर्षा हो रही होगी और इसके साथ साथ उच्च तापमान की स्थिति मिलेगी उच्च तापमान की स्थिति मिलेगी तो वहां पर क्या है कि वन की स्थिति आएगी घास स्थल कहां बनेंगे या घास के मैदान कहां बनेंगे तो देखिए घास के स्थल तब बनते हैं जबकि मध्यमकारी वर्षा होती है कैसी होती है मध्यमकारी वर्षा होती है और इसके साथ साथ हम बोलते हैं कि ये जो रेनफॉल है जिसको आप मॉडरेट रेनफॉल बोल रहे हैं उसके अलावा तापमान जो होता है वो भी ठीक ठाक होता है उच्च तापमान की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है लेकिन जब आप बोलते हैं कि कांटेदार झाड़ियां हैं क्या बोलते हैं कांटेदार झाड़ियां हैं तो झाड़ियां देखिए और वो भी कांटे वाले वो तब उगते हैं जबकि वर्षा अत्यंत निम्न हो है ना अत्यंत निम्न वर्षा हो पानी बहुत कम हो तो पानी बचाने के लिए क्या करते हैं पेड़ पौधे अपनी पत्तियों को कांटों में बदल देते ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो और वो जीवित रह सके ठीक है और साथ के साथ क्या होगा इसके साथ साथ कहेंगे उच्च तापमान भी होगा तो उच्च तापमान होने की वजह से उन्हें और ज्यादा कंटीले बनने की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि तापमान ज्यादा होगा तो जल उतना ही ज्यादा वाष्प के रूप में बाहर आएगा और जितना ज्यादा वाष्प के रूप में बाहर आएगा जल पेड़ पौधों को उतनी ज्यादा जल की कमी महसूस होगी तो ऐसी स्थिति बताई जाती है खैर यहां पर वनों की बात की गई है और वनों की बात जब करते हैं तो वन का जो सबसे पहला प्रकार है वो है उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन देखिए, ध्यान रखना है वन का नाम लिया गया है उष्ण कटिबंधी यानी जो इनका क्षेत्र होगा इनका जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का पूरा क्षेत्र होगा ये वाला ठीक है और सदाबहार क्यों बोल रहे हैं क्योंकि ये वर्ष भर हमेशा क्या रहेंगे हरे भरे रहेंगे इसलिए सदाबहार हो गया अब देखिए यहां पर जो है आपको बताया जा रहा है कि ये वो क्षेत्र होते हैं जो कि काफी गर्म होते हैं और साथ के साथ यहां पर वर्ष भर बहुत ज्यादा वर्षा होती है तो अभी क्या बोला है जहां पर्याप्त वर्षा हो और उच्च तापमान हो वहां वन अब वर्षा की मात्रा खूब ज्यादा हो मतलब वर्ष भर जो है वो वर्षा हो ही रही हो तो वर्षा हमेशा अवेलेबल है इसका मतलब क्या है वर्षा हमेशा अवेलेबल है इसका सीधा अर्थ ये होता है कि पेड़ पौधों के लिए जल की उपलब्धता हमेशा बनी है है ना और तापमान भी उच्च है तो उसकी वजह से जो है वो पेड़ पौधों में वाष्पोत्सर्जन या अन्य प्रक्रियाएं भी बहुत ज्यादा होंगी क्योंकि मौसम शुष्क कभी नहीं होता इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह झड़ती नहीं है और इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं सदाबहार बोलते हैं काफी घने वृक्ष के मोटे वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश मन के अंदर नहीं पहुंच पाता है आमतौर पर यानी कि हार्डवुड के वृक्ष जैसे कि रोजवुड आबनूस महोगनी आदि जो है वो पाए जाते हैं तो ये नाम याद रखना है उदाहरण के तौर पर कि रोजवुड आबनूस और महोगनी जो है ये आपके सदाबहार वनों की प्रजातियों में आते हैं सदाबहार वनों में पाए जाने वाले वृक्ष की प्रमुख प्रजातियों में आते हैं ठीक है मोटे वितान का मतलब सीधे सीधा हो गया कि उनकी जो छतरी है ना वितान का मतलब इस तरीके से जो छतरी है कैनोपी जो है वो बहुत घनी होती है और इतनी घनी होती है कि उनके उनसे नीचे सूर्य का प्रकाश जा पाना जो है वो बहुत मुश्किल होता है इसके अलावा यहीं पर दो चीजें और बता देता हूं एक जो ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है इतने बड़े हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं पृथ्वी के फेफड़े का मतलब क्या हो गया फेफड़ों का मतलब होता है कि वैसा अंग जो कि श्वसन का कार्य कर रहा हो यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो रहा हो तो चूंकि पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलता है पेड़ पौधे जो है वो ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए या भोजन बनाने के लिए इसलिए इनको भी हम जहां पर जितने घने वन होंगे जितने ज्यादा घने वन होंगे उतना ज्यादा इस प्रकार की प्रक्रिया होगी तो ब्राजील का चूंकि सदाबहार वन है वो बहुत ज्यादा घना है इनको हम पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जो है वो बताते हैं ठीक है दूसरा बोला कि जितना घना वन होगा उतने ही ज्यादा जीव पाए जाएंगे क्योंकि वो जीवों का आवास भी होता है ऐसे में ब्राजील का जो ये घना वन है इस ब्राजील के घने वन में विशेषता यह देखी जाती है कि यहां पर बहुत ज्यादा संख्या में और बहुत वैरायटी वेराइटी के जीव मिलते तो इसलिए ये मोस्ट बायोडाइवर्स यानी सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र भी कहा जाता है है ना सदाबहार वन जो है सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कहा जाता है और इसलिए यहां पर कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो विश्व में और कहीं नहीं पाए जाते यहीं पर पाए जाते हैं जैसे भैया इनका नाम जानिए इनका नाम है एनाकोंडा इनका नाम क्या है एनाकोंडा ये विश्व का सबसे बड़ा सांप है और उष्ण कटिबंधीय में पाया जाता है कहां ब्राजील में कहा पाया जाता है ब्राजील में पाया जाता है उसके अमेजन के सदाबहार वन में ठीक है या मगर जैसे बड़े जानवर को भी मारकर जो है वो खा सकता है इतना बड़ा अनाकोंडा होता है ठीक दूसरे वन जो होते हैं इनको पर्णपाती बोलते हैं पर्ण मतलब होता है पत्तियां पत पात का मतलब होता है गिरना है ना पर्ण का मतलब होता है पत्तियां और पात का मतलब होता है गिरना तो जिनमें पत्तियां गिरती हूं उनको पर्णपाती बोलेंगे पत्तियां कब गिरेंगी जब जल की उपलब्धता कम होगी सूखा मौसम होगा पेड़ पौधों को पानी बचाना है अब ये पत्तियां रहेंगी तो वाष्पोत्सर्जन से पानी बाहर निकल जाएगा इसलिए पत्तियों को ही गिरा दिया ठीक है न रहेगा बांस न बजेगी बासुरी हालांकि पत्तियों से कोई बासुरी नहीं बन रही लेकिन ठीक है पत्तियां गिरा दी यानी जो कारण था वो खत्म कर दिया कारण खत्म तो कम से कम पानी जो है वो बच जाएगा तो पर्णपाती मन ये जो है इनको मानसूनी वन भी बोलते हैं मानसूनी वन क्यों बोलते हैं क्योंकि जब मानसून के समय वर्षा होती है तो इनमें पत्तियां आ जाती हैं और जब मानसून की वर्षा नहीं होती है शुष्क मौसम होता है तो पत्तियां गिरा दिए जाते हैं कहाँ कहां पाए जाएंगे भारत उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं क्योंकि वहां पर ही इस प्रकार की वर्षा होती है एक समय विशेष पर ठीक है इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते हैं जल को संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहां के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं और इसमें जो मुख्य रूप से पाए जाने वाले हार्डवुड ट्रीज होते हैं उनमें आप वेरायटी देखेंगे साल सागवान नीम और शीशम जैसे पेड़ जो है वो पाए जाते हैं आपको मैं फिर से एक बार बोलूंगा कि आप जो है इनको जरूर इनकी प्रजातियों को जरूर याद रखें क्योंकि आप इन प्रजातियों को याद रखेंगे तो ये एनसीईआरटी में चुकी दिए हुए हैं एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लिए जाते हैं यूपीएससी में तो खास से से उठा कर उठाकर सीधे पूछते हैं तो आप उनको याद रखने की कोशिश करेंगे ठीक है इन प्रदेशों में जो जानवर पाए जाते हैं उनमें मुख्य रूप से बाघ शेर हाथी तो आप जानते ही है लेकिन गोल्डन लंगूर यानी कि जो सुनहरा लंगूर होता है और बंदर होता है ये इस क्षेत्र में जो है वो बहुत पाए जाते हैं तीसरे के बारे में बात करें अगर तो यहां पर है शीतोष्ण सदाबहार वन यानी ये सदाबहार वन जो है उष्ण कटिबंधीय ना होकर शीतोष्ण कटिबंधीय है यानी कि ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर तापमान जो होता है वो वर्ष में एक बार अधिक होता है और कुछ समय के लिए अधिक होता है बाकी समय में क्या होता है कम हो जाता है लेकिन फिर भी वर्षा की जो मात्रा उपलब्ध है उसके कारण यहां पर भी वन सदाबहरी होते वर्ष पर हरे होते ये भी पत्तियां नहीं गिरा रहे होते ये वन जो है वो मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित होते ये ध्यान रखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मध्य अक्षांश का मतलब होता है कि जब आप 30 डिग्री अक्षांश से लेकर 60 डिग्री अक्षांश के बीच के क्षेत्र की बात कर रहे हो तो उसको आप मध्य अक्षांश बोलते हैं ये सामान्यता महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं जैसे कि दक्षिण पूर्व अमेरिका का क्षेत्र दक्षिण पूर्व अमेरिका के क्षेत्र का मतलब आप चले आए हैं फ्लोरिडा के आसपास के क्षेत्र में उसी तरीके से दक्षिण चीन का क्षेत्र या दक्षिण पूर्वी ब्राजील का क्षेत्र दक्षिण पूर्वी ब्राजील के क्षेत्र में भी इस तरीके के पाए जाते हैं यहां पर दोनों प्रकार की लकड़ियां पाई जाएंगी हार्डवुड भी मिलेगा और सॉफ्टवुड भी मिलेगा इसमें बांज चीड़ और यूकेलिप्टस इनकी जो है वो प्रचुरता पाई जाती है ठीक है इसके बाद आएंगे तो शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलेंगे जैसे वहां पर थे वैसे ही यहां पर भी मिलेंगे शीतोष्ण पर्णपाती वन पर्णपाती वन कैसे होंगे जिनमें पत्तियां गिर रही होंगी तो क्षेत्र इनके बताए गए हैं एक तो बताया गया उत्तर पूर्वी अमेरिका चीन न्यूजीलैंड चिली और पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं पर्णपाती क्यों है क्या क्योंकि यहां पर एक मौसम विशेष में वर्षा होगी और एक मौसम ऐसा भी आएगा जबकि काफी ज्यादा शुष्कता होगी इन तटीय प्रदेशों में तो पेड़ों को पत्तियां गिरानी पड़ती है ये पत्तियां शुष्क मौसम में अपने पत्ती ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं इनमें भी आप देखेंगे तो बांझ ऐश और बीच ये जो है वो वैरायटी पाई जा रही है हिरण लोमड़ी भेड़िए आदि जो है यहाँ के आम जानवर है और कुछ पक्षी भी पाए जाते हैं इसमें पिजेंट और मोनाल जो है इस तरीके के पक्षी जो है यहाँ पर मिलेंगे इनके चित्र आपको यहाँ पर पुस्तक में दिखाई दे जाएंगे ठीक है इसके बाद आते हैं भूमध्य वनस्पति ध्यान रखेंगे भूमध्य वनस्पति वो है जो कि सूखे ग्रीष्म ऋतु के दौरान स्वयं को ढाल लेते हैं ना उनकी जो छाल होती है वो काफी मोटी हो जाती है और पत्तियां जो है वो वाष्पोत्सर्जन को रोकने का काम करती हैं ठीक सबसे पहले तो भूमध्य सागरी वनस्पति अगर बोल रहे हैं तो शब्द से ही पता चल रहा है कि भूमध्य सागर के आसपास का क्षेत्र होगा भूमध्य सागर का मतलब क्या हो गया वो सागर जो कि अफ्रीका के उत्तर में या यूरोप के दक्षिण में अवस्थित है तो उस सागर के आसपास के क्षेत्रों को बोलेंगे भूमध्य सागरी वनस्पति लेकिन साथ के साथ हमें यह भी ध्यान में रखना है कि ऐसी वनस्पतियां विश्व के उन क्षेत्रों में भी मिलती है जहां पर भूमध्य सागरी प्रकार की जलवायु पाई जाती है भूमध्य सागरी प्रकार की जलवायु कैसी है आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था कि वैसी जलवायु जो जहां पर शीतकाल में वर्षा हो रही हो और ग्रीष्म काल शुष्क रह रहा हो उसको बोलेंगे भूमध्य सागरी प्रकार की जलवायु और ऐसी जलवायु हमें प्राप्त होती है ठीक है तो ये करके जो है आप महाद्वीपों के पूर्व और उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग में इस तरीके के शीतोष सदाबहार और पर्णपाती ढके हुई वनस्पतियां मिलेंगी इन्हीं को आप बोलेंगे कि ये क्या है भूमद्ध सागरी वनस्पति है मुख्य रूप से यह अगर आप देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम किनारे और महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर यह भूमध्य सागरी वनस्पतियां पाई जाएंगी ठीक है पूर्व में क्या मिल रहे हैं शीतोष्ण सदाबहार या पर्णपाती वन मिल रहे हैं तो महाद्वीपों के पश्चिम में ये आप अंडरलाइन कर लेंगे ना भूमध्य सागरी कहाँ मिल रहे हैं महाद्वीपों के पश्चिम में या फिर दक्षिणी पश्चिम किनारे पर जो है वो पाई जाने वाली वनस्पतियां यहां पर भूमध्य सागरी वनस्पतियां पाई जाती है जो मैंने रेड से अंडरलाइन किया उसे आप ध्यान से देखेंगे ठीक है ज्यादातर ये कहां पाई जा रही है तो ये पाई जा रही है यूरोप में अफ्रीका में और एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है इसलिए इनका नाम ये पड़ा है ठीक यूरोप का पश्चिमी क्षेत्र एशिया का भी पश्चिमी क्षेत्र यूरोप का दक्षिणी क्षेत्र एशिया का पश्चिमी क्षेत्र और अफ्रीका का उत्तरी क्षेत्र यही तो है भूमध्य सागर को घेरने वाले तो यहां पर जो वनस्पतियां पाई जाएंगी इनको क्या बोलेंगे इनको भूमध्य सागरी वनस्पतियां बोलेंगे भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया दक्षिण पश्चिम अफ्रीका दक्षिण पश्चिम दक्षिणी अमेरिका दक्षिण पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी ये पाए जाते हैं इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म और वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु होती है इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा अंजीर जैतून और अंगूर जैसे नींबू वंश के यानी सिट्रस फल पैदा किए जाते हैं क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया यहाँ जीवन बहुत कम पाया जाता है अब इस पूरी लाइन में मैं दो तीन चीजें जो इसका क्रक्स है वो आपको याद करा देता हूं भूमध्य सागर के चारों ओर तो जो क्षेत्र है वो भूमध्य सागरी जलवायु वाला क्षेत्र होगा ही और भूमध्य सागरी जलवायु भी आपको बताया है कैसी जलवायु ऐसी जलवायु जहां पर शीत ऋतु में वर्षा हो रही है ग्रीष्म ऋतु जो है वो शुष्क है ठीक है इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका में उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया ठीक है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में है ना तो मुख्य रूप से यहां पर है वेल्पराइजो ठीक है चिली वाले हिस्से में और उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो पर्थ और एडिलेड के पास ये जो क्षेत्र है ठीक है यहां पर आपको क्या मिलेंगे यहां पर आपको मिलेंगे भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु ठीक है कहां पर मिलेंगे भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु ठीक है भूमध्य सागरी प्रकार की जलवायु को आप इन क्षेत्रों में देख पाएंगे ओके इसके बाद शंकुधारी वन आ जाएंगे शंकुधारी वन जो होंगे इनको टैगा भी कहा जाता है ये आप ध्यान रखेंगे और इनका जो क्षेत्र होगा वो होगा 50 से 70 डिग्री जबकि तापमान जो होगा वो बहुत कम होगा जहां पर और मुख्य रूप से जो है शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध में मिलेंगे क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में इस क्षेत्र में आ पाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ जलीय क्षेत्र या महासागरी क्षेत्र मिलेगा तो या जो शंकुधारी वन है वो 50 से 70 डिग्री में ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं जैसे हिमालय के क्षेत्र में आप चले जाएंगे तो वहां पर इस तरीके के शंकुधारी वन मिलेंगे जो अधिक ऊंचाई पर यानी ऊंचाई पर भी तापमान कम हो रहा है और उच्च अक्षांशों पर भी तापमान कम हो रहा है तापमान कम है जहां पर उन्हीं जगहों पर इस तरीके के वन पाए जाएंगे कम कितना इतना कम जिसकी वजह से उस क्षेत्र में स्नोफॉल होती हो उस क्षेत्र में क्या होता हो हिमपात होता हो स्नोफॉल होता हो तो स्नोफॉल से बचने के लिए या हिमपात से बचने के लिए जो वृक्ष होते हैं वो अपना शेप इस तरीके से कोनिकल कर लेते हैं कोनिकल कर लेते हैं ना कोणधारी कर लेते हैं और इसीलिए ऐसे वनों को कोणधारी वन भी बोलते हैं ऐसे वनों को शंकुधारी वन बोलते हैं कोनी फॉरेस्ट बोलते हैं या फिर इनको टैगा भी कहा जा रहा है ठीक है इनमें जो वृक्ष होते हैं उनके जो लकड़ियां होती हैं वो लंबी और नरम होती है और ये जो वृक्ष होते हैं ये भी सदाबहार वृक्ष ही होते हैं इन वृक्षों के जो लकड़ी है इनका उपयोग लुगदी बनाने में किया जाता है जो सामान्यतः अखबारी कागज बनाने में इनका काम जो है वो किया जाता है इसके अलावा माचिस और पैकिंग के लिए बक्से बनाने में भी इनका उपयोग जो है वो किया जाता है कौन कौन से वृक्ष हैं आप इंडिया में चले जाएंगे आप मनाली घूमने चले जाइए आप जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में चले जाइए वहां पर ऐसे वृक्ष बहुत मिलेंगे चीड़ और देवदार तो सबसे कॉमन है इस क्षेत्र में और अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में कई सारे जानवर भी मिल रहे हैं जैसे कि रजत लोमड़ी मिंक या ध्रुवीय भालू जो है ये सारे यहाँ पर इस क्षेत्र में पाए जाने वाले हैं तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो इस शंकुधारी वन में आपको याद रखना वो याद रखना कि तापमान बहुत कम होगा जिन क्षेत्रों में उन क्षेत्रों में शंकुधारी वन मिलेंगे लेकिन यहां पर हिमपात जो है वो एक प्रमुख फीचर होगा क्योंकि हिमपात से ही बचने के लिए वृक्ष जो है मोटी खाल वाले या मोटी परतों वाली पत्तियों के साथ है ना इस तरीके से शंकु बना के या कोण बना के जो है वो वहां पर पाए जाते हैं या उगते हैं ठीक है जी अब इसके बाद देखते घास स्थलों की बात करते हैं विश्व में घास स्थल किस प्रकार के हैं तो घास स्थलों में सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है ना निश्चित रूप से जो घास स्थल होगा उसको हम यहां पर देख पाएंगे उसको हम देख पाएंगे उष्ण कटिबंध के क्षेत्र में तो जो उष्ण कटिबंधीय घास स्थल आपको दिखाई दे रहा है ये उष्ण कटिबंधीय घास स्थल जो आपको दिखाई दे रहा है ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्ण क्षेत्रों तक फैले होते हैं लेकिन घास स्थल मैंने बताया था पीछे कहां पाए जाएंगे जहां पर वर्षा की मात्रा मध्यमकारी होगी है ना या कम वर्षा की मात्रा होगी तो निम्न से मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होते हैं घास की ऊंचाई जो होती है वो तीन से चार मीटर तक होती है और अफ्रीका का सवाना घास स्थल जो है वो इसी प्रकार का घास स्थल है ये याद रखने वाली चीज है कि अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय अफ्रीका का जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है उसको हम सवाना घास स्थल के नाम से जानते हैं ठीक है अब ये जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है यहां पर कई सारे जानवर भी मिलेंगे हाथी जेबरा जीरा हिरण तेंदुआ आदि जानवर इस, इवन इसमें आप जो है वो आ, शेर जो अफ्रीकी शेर है उनको भी यहां पर आप ऐड कर सकते लिख सकते हैं ठीक है आइए इसके बाद देखिये दूसरे प्रकार के जो घास स्थल है इनको हम शीतोष्ण घास स्थल बोलते हैं शीतोष्ण घास स्थल वो होंगे जहां पर तापमान कम हो चुका होगा और जो वर्षा की मात्रा उसी तरीके से निम्न से मध्यमकारी मिलेगी मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाने वाले जो घास स्थल है इनको हम शीतोष्ण कटबंधी घास स्थल बोलेंगे ये आमतौर पर छोटे और पौष्टिक वनस्पतियों से ढके होते हैं और यहाँ पर जो पाए जाने वाले जानवर हैं वो जंगली भैंस है बाइसन है एंटीलोप है इस तरीके के जानवर जो है यहाँ पर मिलेंगे आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर कुछ उष्ण कटिबंधीय और कुछ शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थलों के नाम दिए गए हैं जैसे कि पूर्वी अफ्रीका में उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को सवाना बोलते हैं ब्राजील में कैंपोस बोलते हैं वेनेजुएला में लानोस बोलते हैं जब मैंने आपको दक्षिण अमेरिका वाला और अफ्रीका वाला क्षेत्र कराया था तो वहां पर हम लोगों ने इस तरह के नामों की चर्चा की थी कि ये घास स्थल है उन क्षेत्रों के उसी तरीके से जब आप शीतोष कटिबंधी घास स्थल की बात करेंगे तो हमने दक्षिण अफ्रीका में देखा था अर्जेंटीना में पंपास उत्तरी अमेरिका में बीच में यूएसए का जो और कनाडा का जो इलाका वहां पर प्रेरी दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड आ जाता है जो कि आपके ड्रेगन्सबर्ग माउंटेन के ऊपर पाए जाते हैं मध्य एशिया में इन्हें स्टेपी बोलते हैं और ऑस्ट्रेलिया में इन्हें डॉन नहीं बल्कि डाउन्स आप कह सकते हैं क्या बोल सकते हैं डाउन्स कह सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से आपके अलग अलग घास स्थल भी जो है वो दिखाई देते हैं इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो वनस्पतियों के रूप में कंटीली झाड़ियां भी मिलेंगी मैंने बताया था कंटीली झाड़ियां वहां मिलेंगी जहां औसत से भी कम वर्षा या निम्न वर्षा की मात्रा जो है वो उपलब्ध होगी ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि जो उष्ण रेगिस्तान है महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे हैं वहां पर इस प्रकार की वनस्पतियां मिलेंगी इन क्षेत्रों में तीव्र गर्मी तापमान बहुत उच्च होगा और बहुत कम वर्षा के कारण वनस्पतियों की कमी होती है ऐसे रेगिस्तान वाले जो भी क्षेत्र होंगे वहां पर आपको कंटीली झाड़ियां ही मिलेंगी अब ध्रुवीय प्रदेश में चले जाए तो यहां पर वनस्पतियां जो है वो बहुत ही सीमित होंगी क्यों क्योंकि यहां पर वनस्पतियों के उगने के लिए अनुकूल परिस्थितियां है ही नहीं तापमान बहुत निम्न है जो क्षेत्र है वो बर्फ से ढका हुआ इसलिए मिट्टी की उपलब्धता भी नहीं है इसलिए यहां पर वनस्पतियों की प्रचुर मात्रा जो है वो नहीं पाई जाती ऐसा हम कह सकते हैं ठीक है थीके? यहां की जो वनस्पतियां होती है इनको टुंड्रा वनस्पति कहा जाता है कौन सा ध्रुवीय प्रदेश में ध्रुवीय प्रदेश, प्रदेश में जो प्राकृतिक वनस्पति मिलती है उसे टुंड्रा वनस्पति बोलते हैं और इनमें लाइकेन और छोटी झाड़िया झाड़ियों के रूप में वन पाए जाते हैं देखिए मुख्य रूप से आप देखें तो यूरोप का भी जो सबसे उत्तरी क्षेत्र होगा या एशिया का होगा या उत्तरी अमेरिका का ध्रुवीय प्रदेश जो है वहां पर आप बोलेंगे इस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती जैसे कि एशिया में आप बात करें तो मुख्य रूप से जो रशिया वाला क्षेत्र है ना उसको बोलते हैं हम रशियन टुंड्रा क्या बोलते हैं रशियन टुंड्रा बोलते हैं तो जो रशिया का टुंड्रा वाला क्षेत्र होगा वहां भी लाइकेन और मॉस जैसी जो वनस्पतियां हैं वो यहां पर आपको मिलेंगी अब आप देखिए बहुत ठंडी जगह है तो जानवर के रहने के लिए भी बड़ी स्थिति अनुकूल तो है नहीं प्रतिकूल है लेकिन यहां पर पाए जाने वाले जानवर उस मौसमी परिस्थिति में रह कैसे पाए उस मौसमी परिस्थिति में रह कैसे पाए तो उस ठंडक से बचने के लिए भगवान ने क्या किया है ईश्वर ने क्या किया है प्रकृति ने क्या किया है ठीक है कि उनके शरीर का जो चमड़ा है उसके ऊपर बहुत सारा बाल दे दिया ये जो रोए होते हैं ये तापमान के आ आप कहते हैं कि बैड कंडक्टर होते हैं कुचालक होते हैं और इस वजह से बाहर का जो निम्न तापमान है वो उनके स्किन को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता उससे प्रभावित नहीं हो पाते और दूसरा ये है कि जो चमड़े है शरीर का चमड़ा जो है उसके नीचे मोटी वसा की परत भी होती है ये वसा की परत भी उन्हें ठंड से बचाने में सहायता करती है तो ये जो स्थिति आपको दिखाई दे रही है वो कई सारे जीवों में आपको दिखाई देगी जानवरों यहां के जानवरों के शरीर पर मोटा फर और मोटी चमड़ी होती है जो उन्हें ठंडी जलवायु से सुरक्षित रखते हैं इसमें आप कई नाम देखेंगे जैसे सील है वालरस है कस्तूरी बैल है ध्रुवी उल्लू है ध्रुवीय भालू है और बर्फीली लोमड़ी है इनके बारे में जो है वो आप बात कर सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से वनस्पतियों वाला भी जो हिस्सा है वो आपका यहाँ पर समाप्त होता है इन दोनों चैप्टर्स को जो है वो आप पूरी तरीके से कवर करिएगा ये दोनों चैप्टर्स जो है यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं ठीक है अब इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न आप होगा मुझे लगता है कि आप उनको हल कर पाएंगे अगर फिर भी कोई कठिनाई हो तो आप जरूर मुझे सूचित करें कि यहां पर कठिनाई है मैं उन चीजों को जो है वो प्रॉपरली सॉल्व करता हूं ठीक है अब यहां से आपका जो चैप्टर है वो इस पुस्तक के अकॉर्डिंग सातवें क्लास के बुक के अकॉर्डिंग चार चैप्टर्स आपके और बचते हैं यानी अगले दो दिनों में कक्षा सात की एन भी आपकी समाप्त हो जाएगी और उसके साथ साथ आप फिर अगली कक्षा की एन में प्रवेश कर जाएंगे ठीक है तो आपके इस क्लास को आज मैं यही समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी इसी तरीके से आप क्लास ज्वाइन करते रहें क्लास को जो है वो कंटिन्यू रखें और हम एन समाप्त करने के बाद इस लेवल पर जरूर होंगे जहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सत्तर प्रतिशत से भी ज्यादा प्रश्नों को जो कि यूपीएससी ने पूछे हैं उसको हल कर पाने में सक्षम होंगे एक बार जब आप सारी एनसीईआरटी जो है वो पढ़ लेंगे तो ठीक है तो निश्चित रूप से आप मन लगाकर पढ़ाई करिए और साथ के साथ अपने स्वास्थ्य का भी अच्छी तरीके से ध्यान रखिए ठीक है मिलते हैं कल की कक्षा में थैंक यू वेरी मच